सब किस लिए सोमराज? आपका ऐसे भागना और हमको भागना, हाँ? मैं बहुत कमीना हूँ, जानते हो ना? क्या मांगा था? घर मांगा था, तुमने मना कर दिया। उस घर के साथ साथ अब तुम्हारी जान भी लेना पड़ेगा, यही चाहते हो? गौरी, मेरे पास अपने बच्चों के लिए बस यही एक घर बचा है, मेहरबानी करके मुझे और मेरे घर को छोड़ दो। इतनी दूर आने के बाद तुझे छोड़ना मुश्किल है, बहुत रिस्की है। अरे इतने महंगे उस इलाके में जिसका कोई बैकग्राउंड ना हो घर नहीं हो सकता। क्यों रे? हाँ भाई, दिल इधर होता है कि इधर होता है? इधर ही भाई। हाँ इधर ना। हाँ भाई। गया क्या? इसके लिए अच्छा है कि एक और बुलेट डाल दूँ। नालायक, नालायकों का नालायक। अरे कहाँ चला गया ये? पता नहीं आज हमारी किस्मत में मंदिर जाना है कि नहीं, कब अकल आएगी इसे। क्यों आप हमेशा मेरे बेटे के लिए गालियाँ बकते हो? नहीं तो क्या फिर उसे प्यार करूँ? मंदिर जाने के लिए चार घंटों से कपड़े पहनकर बैठा हूँ। मतलब चार घंटे पहले बिना कपड़ों के घूम रहे थे जीजा जी? चप्पल से मारूंगा। चार घंटों से तैयार होकर बैठा हूँ, 5 बज रहे हैं। एक घंटे के बाद 6 बज जाएगा, 2 घंटे बाद 7 बज जाएंगे, फिर मंदिर बंद हो जाएगा। आखिर कहाँ गया होगा ये? वो कह रहा है ना कि वो नहीं जानता। इसका मतलब तुम जानती हो, बताओ क्या क्या कर गया है? बाहर जाते वक्त कहाँ जा रहा है ये पूछने के लिए आप ही ने तो मना किया था। नाटक कर रही हो क्या? बाप रे, वो आ गया। आ गया? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। ऐसे ही आपको खुश करने के लिए कहा था जीजा जी। हाँ? हाँ। क्यों जीजा जी, मुझे ऐसे क्यों मार रहे हो? ऐसे ही तुम्हें खुश करने के लिए मारा है। बताओ वो आएगा या नहीं? उधर से आऊंगा कहा था जीजा जी। उधर मतलब किधर से? उधर से आने के लिए कहा था पर किधर से आएगा नहीं बताया। मैं तेरा गला दबा दूंगा। छोड़ दीजिए जीजा जी, मैं अपनी बहन का इकलौता भाई हूं। चुप कर नहीं तो मार डालूंगा। चल जल्दी से सच बता, कहां गया है वो? बात ये है कि वो डिस्को गया है, मैं नहीं बताऊंगा जीजा जी। डिस्को गया है? पर उसे पैसे किसने दिए? मुझे क्यों देख रहे हैं? पैसे मैंने नहीं दिए। उसे किसी को देने की जरूरत नहीं है, वो अगर चाहे 5 मिनट में सिंगल हैंड से कमा लेगा। बहुत बड़ा पहलवान जैसा लगता है। इस बच्चे के हाथों हार गया तू? हेलो, जीतने वाले को एनकरेज करो, गलत नहीं है, लेकिन जो हार रहा है उसे डिस्करेज मत करो। जीत हासिल करने के लिए ताकत नहीं, कॉन्फिडेंस चाहिए। ख्वाब मैं देखूं, यूके यूएस जाने का न सपना मैं देखूं, दौलत शोहरत भी कभी भी ना मैं चाहूं, बंदिशों में रहना कभी ना मैं चाहूं, मस्ती से जीने का नाम जिंदगी। थोड़ा साहस है काफी, थोड़ा पैसा है काफी, थोड़ा दम ही है काफी, थोड़ा दिल ही है काफी। सीएम पीएम बनने का न ख्वाब मैं देखूं, यूके यूएस जाने का न सपना मैं देखूं। ओ एक बाइक है काफी, जीवन साथी के रूप में कैटरीना ना चाहूं, बस
एक लड़की अच्छी काफी, नहीं डूबना है नशे में मुझे ओवर ड्रिंक पीकर, बस एक बियर है काफी, नहीं चाहिए दुनिया सारी साथ रहे ये मेरे, बस ये दोस्त है मेरे काफी, खुशियों से जीने का नाम जिंदगी, थोड़ी धड़कन है काफी, थोड़ी तड़पन है काफी, थोड़ा जिगरा है काफी, थोड़ा नाम है काफी, सीएम पीएम बनने का न ख्वाब मैं देखूं, यूके यूएस जाने का न सपना मैं देखूं, नहीं जरूरत कंप्यूटर से देखो दुनिया प्यारी, बस एक प्यार दिया है कभी, नहीं चाहिए सात आसमां रहने के लिए मुझको, एक छोटा सा घर है काफी, नहीं जरूरत जीने को ऐशो आराम की मुझको, बस थोड़ा सा चैन है काफी, ना मैं चाहूँ कल की चिंता कल के सपने मुझको, बस है आज ही जीना काफी, मस्ती से जीने का नाम जिंदगी, थोड़ी दौलत है काफी, थोड़ी शोहरत है काफी, थोड़ी हिम्मत है काफी, थोड़ी चाहत है काफी, अब मैं देखूं सपना मैं देखूं, ना मैं चाहूं ना मैं चाहूं, अपने सुहाग रात पर भी मैंने इतना इंतजार नहीं किया। अरे बाबा, फिर क्यों उस बुरे सपने की याद दिला रहे हो? बुरा सपना क्यों दीदी, उस दिन भी कोई मंदिर का प्रोग्राम रखा था जीजाजी ने। अब तुझे ये भी बताना पड़ेगा। उसके लिए और इंतजार करना बेकार है जीजाजी। ओ, बहुत रात हो चुकी है, गुड नाइट कहकर सोते हैं। तू रात में नींद को बर्दाश्त नहीं कर सकता है और दिन में भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हे भगवान, अरे ये कैसा इंसान है। मुझे यही लगता है कि अब वो यहाँ नहीं आएगा, खामखा अपना करंट बिल बढ़ जाएगा। मैं कहती हूँ, मैं कुछ कहता हूँ तो जीजा जी चिल्लाते हैं, जबान फिसल गई। ये नमूना क्या तुम्हारे ही घर का है? अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, ये मेरे पिता का रूप है। अरे छोड़िए इन बातों को जीजा जी, वो रातों रात सड़क पर इस तरह घूम रहा है तो उसका कोई कारण होगा। लेकिन अपना क्या है, उसके लिए बेकार में इंतजार करने से हाथ पैर लीवर किडनी हार्ट बॉडी के सारे पार्ट्स खराब हो सकते हैं। चलिए सोते हैं ना जीजा जी। ठीक है, यहाँ से दफा हो जाए। कौन है ये? अरे जीतू, क्या बात है, तू पिक्चर गया था ना? अब तू गया काम से। जीजा जी, अब जीजा जी। शर्त में जीते हुए 100 रुपए, ये रुपए मैं आप ही के लिए लाया हूँ मामा जी, 1 रुपया खर्च नहीं किया। जीतू, वेनू, जीतू, वेनू, जीतू, ये कौन है? पापा। ए, वो रात में आकर कितना भी चिल्लाए दरवाजा नहीं खोलना। नहीं खोलूंगा, खोलेगा तो जान से मार डालूंगा। ओके जीजू। ये कौन है? कौन है ये? अरे शकीरा, क्यों सता रही है, सोने देना। वो तो हॉट आइटम है यार। बता ये अंदर किधर से आया? बेचारा कहीं से भी आया होगा। ये 100 रुपए आप रखना और उसे कुछ मत कहो जीजा जी। दीदी, मुझे, दीदी, ए, उठ,
अरे रुक जाइए, आप इसे ऐसे क्यों मार रहे हैं? ये सारी खिड़कियाँ भी बंद हैं। देखो ये सारे दरवाजे भी बंद हैं। फिर बताओ ये अंदर कैसे आ गया? अरे बाबा, खिड़कियाँ दरवाजे बंद होने पर भी मेरा बेटा अंदर आ गया, देखिए कितना बहादुर है। बेटा बेटा, तुझे कोई चोट तो नहीं आई? मम्मी मैं सो रहा हूँ, मुझे सोने दो ना। सोए हुए बेटे को पैर से मारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम इसकी तरफदारी मत करो, ऐसे नालायक को जन्म देकर मुझे खुद से नफरत हो रही है। सेम फीलिंग जीजा जी, आपको देख के मुझे ऐसा ही लगता है। अपने प्यारे बेटे को उठाकर खिला दो, कहीं सुबह तक ये भूख से मर ना जाए। जरूरत नहीं है जीजा जी। क्या कहा? बिरयानी, बिरयानी जीजा जी। क्या कह रहे हैं, शनिवार को बिरयानी? हे भगवान। वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। कॉफी लाओ मेरे लिए। ठीक है, अभी लाई। गुड मॉर्निंग पापा। रात में कहाँ था तू? मैं तो घर पे ही था, दोपहर को खाना खा के सो गया था। आग खुली तो रात हो चुकी थी, मंदिर जाने का टाइम हो गया, पर पापा अभी तक नहीं आए। घबरा कर उठा तब पता चला सुबह हो गई है। सुन लिया ना? क्या माँ, घर में बेटा थककर सो गया, उठाकर खाना खिलाना ये भी तुम भूल गई हो क्या? अरे बेटा, कल शाम तेरे रूम में मैंने देखा तो सिर्फ खाली बेड ही नजर आया। उस पर कुछ सो रहा था। खाली बेड नहीं था माँ, उसमें मैं था। चप्पल संभालना, बंद करो ये ड्रामा। ए तुम अंदर जाओ। जीतू चल चलते हैं। कहाँ जाना है? कॉलेज जाना है ना। पर आज तो रविवार है, कॉलेज नहीं रहता। रविवार हो या सोमवार हो, कॉलेज कहीं नहीं जाता है, वहीं रहता है, हमको जाना पड़ता है। हे पापा, आज मत रुकिए, आज एडमिशन्स हैं। सच है? सच में पापा। ठीक है, एडमिशन के बाद सीधे तुम घर आना, बीच में फिल्म जाने की कोशिश की तो पैर तोड़ दूंगा। मॉम, एक सौ रुपए दो ना। वहाँ उस डिब्बे में रखे हैं, ले लो। सौ रुपए किस लिए? पिक्चर के लिए। क्या कहा? दरअसल मैं फिल्म देखना ही नहीं चाहता, पर आपने मना किया, आप मैं फिल्म जरूर देख कर ही आऊंगा। चलता हूँ। चलो मामा जी। मैं कब से तैयार बैठा हूँ? ये जब पेट में था तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चा घूम गया है, मैं समझ ही नहीं पाया ये कैसे नालायक को जन्म दिया है तुमने। उसको ये सारी बातें आप ही सिखाते हैं और दोष मुझे देते हैं। संडे के दिन भी एडमिशन सकता है, कैसा प्रिंसिपल है यार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। स्टूडेंट के लिए क्वालिफिकेशन से ज्यादा कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने लगा दिया है, दूसरा तुम नहीं लगा लोगे। रैंक से ज्यादा रेस्पेक्ट होता है। दैट इज बुल्ला राव, प्रिंसिपल बुल्ला राव, दैट्स ऑल। रामनाथ जी, राजा, राजा रामनाथ, राजा मत भूलो। कहो क्या चाहिए? सीट। आप ये सीट खाली करके देंगे, मुझे इंटरव्यू लेना है। ये कॉलेज हमारा है, मेरे दादा राजा रामनाथ बहादुर ने इतना बड़ा कॉलेज बना कर दिया है। तुम और तुम्हारे मैनेजर ने मुझे घटिया प्यून की नौकरी दी है। ये कुर्सी भी मेरे दादाजी ने दी है। राजा रामनाथ जी, आप अपने दादा के बारे में रोज बोलते हैं और मैं सुनता हूँ। फिलहाल आप इस सीट को खाली करके बाहर जाके स्टूडेंट्स को बुलाएंगे तो हम इंटरव्यू शुरू करेंगे। कमांडिंग है? डिमांडिंग भी नहीं है, रिक्वेस्टिंग। तो फिर ओके। नंदिनी, गुड मॉर्निंग, अपना सर्टिफिकेट दिखाइए। यहाँ तो बहुत स्टूडेंट आए हैं भांजे, पहले ही मेरी उम्र बढ़ गई है। तुझे क्या लगता है मुझे सीट मिलेगी? पहली पिक्चर की टिकट नहीं मिली इसका टेंशन है, और तुम टेंशन और बढ़ा रहे हो। हे भगवान। ओके नंदिनी, तुम्हारी सीट कंफर्म है। थैंक यू सर। वेलकम। सीट मिलेगी या नहीं मुझे टेंशन हो रहा है यार। पता नहीं तुम्हें मिलेगी या नहीं, पर मुझे जरूर मिलेगी। तुझे कैसे नहीं मिलेगी यार, तू तो बड़ा खिलाड़ी है, तुझे सीट मिल जाएगी यार। एक्सक्यूज मी सिस्टर, सिस्टर। या व्हाट कैन आई डू फॉर यू? सिस्टर, नो इंग्लिश, ओनली हिंदी। अंदर क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चंस। वो क्या है जरा बताएंगे क्या? सिर्फ क्वेश्चन से बताना पड़ेगा या आंसर भी बताऊं? ये बात आप ही सोचकर बताइए सिस्टर। ठीक है, लिख लीजिए। बताइए, इंडिया को आजादी कब मिली? हाँ, क्या बोलना पड़ेगा सिस्टर? 1857 से आजादी की लड़ाई शुरू हुई, 1947 में आजादी मिली। नेक्स्ट, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? कौन है सिस्टर? उस वक्त भुट्टो थे, अब जरदारी हैं। नेक्स्ट, यूथ किस वजह से बिगड़ रही है? उसके लिए क्या बोलूं सिस्टर? सिगरेट पीने से, शराब पीने से, लड़कियों के साथ घूमने से। उसके बाद क्या है सिस्टर? इतना ही, बस इतना ही है। हेलो, आ रहा हूँ सर। थैंक यू सिस्टर। आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो, अच्छे से तैयारी की है ना? बहुत अच्छी तैयारी की है सर। पर इसका क्या प्रोसेस होगा सर? सर, मेरे आंसर बोलने के बाद आप क्वेश्चन पूछेंगे या आपके क्वेश्चन पूछने के बाद मुझे आंसर देना पड़ेगा? आपको कैसे ठीक लगता है सर? मुझे सब ठीक लगता है। ओके सर, आपको जैसे ठीक लगे वैसे ही सही, इसे देखने की जरूरत नहीं। थैंक यू। तुम कब पैदा हुए? 1856 में स्ट्रगल शुरू हुई, 1947 में पैदा हुआ सर। सीट मिलेगी ना? तुम्हारे पिता का क्या नाम है बेनू? पहले मुशर्रफ था, अब जरदारी है, सीट मिलेगी ना सर?
ये बताओ इस कॉलेज में ज्वाइन होकर क्या करना चाहते हो तुम? बताता हूँ सर, सिगरेट पीना, शराब पीना, लड़कियों के साथ घूमना, सीट देंगे ना सर? तुम्हें यहाँ एक सेकंड भी रुकने की जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। मुझे सीट मिल गई है ना सर? चुपचाप निकल जाओ नहीं तो मारे जाओगे, तुम्हें सीट नहीं दूंगा। क्यों नहीं देंगे आप? आपके पूछे गए हर सवाल का फटाफट उसने जवाब दिया है। रामनाथ जी, इसने जो भी जवाब दिया है सब गलत है। यही जवाब लड़की ने दिया तो आपने सीट दे दी? इससे पूछे सवाल अलग है, उस लड़की से पूछे सवाल अलग थे। मतलब इसने जो जवाब दिए वो सही थे, आपके पूछे गए सवाल ही गलत है। रामनाथ जी आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप कुछ नहीं जानते, बीच में इसका मत बोला कीजिए, बहुत टेंशन हो रही है। तुम निकलो यहाँ से। तुम आओ बताता हूँ। क्या बताएंगे आप? वो ऐसे ही बकवास करता है, तुम कल से कॉलेज आ जाना। कैसे सर? शाम को घर पे आना बताऊंगा। जितेंद्र। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यू मिस्टर जितेंद्र? मुल्ला राव, सेम क्वेश्चन है ना इस लड़के से, मैं पूछता हूँ। ठीक है पूछिए। असल में कॉलेज मेरा है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। हम लोगों को आजादी कब मिली? मेरे पैदा होने से पहले जो हुआ है वो मैं कैसे बता सकता हूँ? सही है पुल्ला राव। अब दूसरा सवाल पूछकर दफा कीजिए। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? पड़ोसी देशों की बातों से हमें क्या लेना सर? बिल्कुल सही है पुल्ला राव। तुम एक नौजवान हो, बताओ नवयुवक लोग बिगड़ क्यों रहे हैं? बेकार रहने की वजह से। पर बेकारों की तरह क्यों रहना पड़ता है? वो इसलिए, पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरियां नहीं मिलती, पढ़ाई करने के लिए सीट नहीं दी जाती। नहीं देंगे? हाँ तो? बेकारी में शराब की आदत पड़ जाती है, शराब पीने के बाद इसका कारण क्या है पता लगता है, और सीट न देने वाले को मारने का मन करता है। मतलब हमारे पुल्ला राव को मारोगे? मैंने अभी ये नहीं कहा कि सीट नहीं दूंगा। अगर कह देंगे तो आपको मारने के लिए इसका हाथ उठेगा? हाथ से नहीं सर, इसके लिए मैं हमेशा साइकिल चेन या हॉकी स्टिक लेकर घूमता हूँ। रामनाथ जी, इतना अच्छा युवा गुंडागर्दी करे तो देश के लिए ठीक नहीं होगा। थैंक यू सर। इन्होंने अभी सीट देने के लिए नहीं कहा, वो अब सब समझ चुके हैं। हाँ यस यस, सीट दे दिया। अच्छा सर चलता हूँ। जा सकते हो। रामनाथ जी, इस शहर में गुंडागर्दी बहुत हो गई है। हाँ, गौरी जी से मिलना है। चेक, चेस खेला करो। चेस खेलने से दिमाग बहुत तेज होता है। मूव। ये अपुन के समझ में नहीं आ रहा है भाई। भाई, सोमराज के लड़के आए हैं। सोमराज? वो कौन है? बांद्रा का घर जो कब्जा किया था ना, उस घर का मालिक है। वो तो मर गया है ना रे, फिर ये कौन है? ठीक है बुलाओ ने। फिर से चेक। अपन तुमसे नहीं जीत सकता भाई। अबे इसीलिए तो तेरे साथ खेलता हूँ। चल आओ खेल। नमस्ते भाई। नमस्ते, क्या है? आपने हमारे घर पे कब्जा किया है, उसी के बारे में बारने आए हैं। वो तो सोमराज जी का है ना, उससे तुम्हारा क्या संबंध है? चल बे। हम सोमराज जी के वारिस हैं। असल में इस विरासत की वजह से ही देश इस तरह बढ़ रहा है। अरे बाप जी। भाई, कुछ लोग सिर्फ रोजाना 20 घंटे मेहनत करके 4 घंटे ही सोकर बहुत ज्यादा पैसे कमा लेते हैं, लेकिन उनके जो वारिस होते हैं ना, रोजाना 20 घंटे सोते हैं, 4 घंटे कहीं रेंग लेते हैं, और इस तरह हम उनके वारिस हैं, इनके वारिस से बोलकर हम जैसे लोगों के पास आते हैं। अच्छा, तुम्हारे पिताजी को आजीवन कारावास की सजा हो जाए और वो 7 साल की सजा काटने के बाद अगर टपक जाए, तब तुम लोग, हम उनके वारिस हैं और बाकी 7 साल की सजा हम काटेंगे, कह सकते हो? नहीं कह सकते। सिर्फ संपत्ति और पद के लिए ही वारिस आते हैं। जिसका हल उसकी जमीन नहीं जानते, उसी तरह इस मुंबई शहर में कब्जा करने वाला ही मालिक होता है। जा सकते हो। अरे ये आप क्या कह रहे हैं, वो 100 करोड़ की तो जायदाद है, कम से कम 50 करोड़ तो दे दो। अगर ना दो तो कोर्ट जाएंगे भाई। केक। बहुत करते समय बीच में बोलने के लिए बना क्या था ना मैंने? क्या बोला? बीच में क्यों बोला? नहीं बना क्या था ना? मुझसे गलती हो भाई, भाई मुझे माफ कर दो भाई, गलती हो गई। क्या है, क्या चाहते हो तुम लोग? ये बात नहीं है सर, हमें कुछ भी देंगे। अरे कोर्ट में जाओ ना, वहाँ जज साहब तुम लोगों को दिला देंगे। जाओ। hey, चलो यहाँ से निकलो। hey, बाप जी इधर। डरने वाली बात नहीं ना, इनका कोई बैकग्राउंड तो नहीं है ना? डरने की कोई बात नहीं भाई, ये दिल्ली में सरकारी नौकरी करते हैं। होशियारी से रहना होगा। अरे छी, उनको डराने के लिए इसे मारना पड़ा। ए, इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। तू इधर आ। अरे 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 अरे, क्यों बेटी, इंटरव्यू हो गया ना? हो गया पापा। सीट मिल गई ना? हाँ मिली। गौरी शंकर की बेटी हो? अरे तुम्हें नहीं तो किसे देंगे? मैं आपकी बेटी हूँ, कॉलेज में कोई नहीं जानता, मेहरबानी करके मालूमत होने दीजिए, मुझे नंदिनी बनकर ही पढ़ने दीजिए। देखा, ऐसी होनी चाहिए वारिस, इतनी सी थी तब से मेरा बैकग्राउंड नहीं चाहती। तुम जाओ बेटी, जाकर नाश्ता कर लो, जाओ। हाँ पिताजी की तबीयत कैसी है?
अरे माँ, मैं हर वक्त वहाँ आना चाहती हूँ। तुम जानती हो ना माँ इनके बारे में? कौन है माँ? नानी माँ है क्या? ये लो, नानी से बात करो। नानी माँ, कैसी हो? तू कैसी है बेटी? मैं बहुत अच्छी हूँ। कॉलेज में मुझे सीट मिल गई है नानी माँ। ये बात है, कल से कॉलेज में बिजी हो जाऊंगी। नाना जी हैं क्या? नहीं है बेटी, अभी कहीं बाहर गए, अभी आते ही होंगे। माँ हाँ? वो आ गए, मैं बाद में फोन करती हूँ। तेरी तो, तू जूनियर है, सीनियर से टक्कर लेता है। 95, 96, 98, 99, 100 क्या है? चल बे, न्यू एडमिशन है क्या? हाँ तो। अरे देख, ये तो शिवा फिल्म के नागार्जुन जैसा लगता है ना। ऐसा लगता है भाई। अरे कॉलर तो खड़ा कर ले, और अच्छा लगेगा। ए पैंट उतार। तुम्हारी भाई, एक मिनट अभी उतारता हूँ। रवि इसको ले जाकर एक घंटा लेटरिन में बिठाओ। अरे भाई ऐसा मत करो, मैं वहां नहीं बैठ सकता। उतारना। टैंटिक्स टाइट फिट। अरे इसका सामान भी बड़ा भारी है यार। ए तू साइड हो जा। हेलो, न्यू एडमिशन है क्या? ए ये लड़की बिल्कुल माधुरी जैसी लगती है ना। रिबॉक शूज, किलर जींस, टाइटन वॉच और ब्रा। ब्रा कौन सी कंपनी की ये तो बता दे। तेरी बहन जो पहनती है ना, उसी कंपनी की। क्या बोला? तेरी बहन जो पहनती है ना, उसी कंपनी की। कितना घमंड है तुझे, कॉलेज में अभी अभी नया नया। अरे विकी, विकी क्या हुआ? अरे विकी, विकी क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? क्या हुआ तुझे? इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ, नहीं तो एक घंटे में मर जाएगा। आप आइए। आज से यार इसी क्लासरूम में एक साल तक चलना पड़ेगा। छी छी। हाय हाय, हम नीलिमा, नंदिनी। डियर स्टूडेंट्स, आई एम राजू। पर लगते हो काजू। शट अप। पहले आप अटेंडेंस लीजिए सर। क्यों? प्रेजेंट कहकर भागने के लिए? आज तो कॉलेज का पहला दिन है ना सर। तो फिर कल से क्या करोगे? ये आप खुद देख लीजिएगा सर। ओहो ये बात है। हाँ आप अपने नाम बताओ। दीपक कुमार सिंह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उन्होंने मुझे बोला है। मैंने भी उनको ही बोला है, तुमको नहीं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी संस्कृति संप्रदाय को। सॉरी सर, मैं चेकिंग समझा था। डियर स्टूडेंट, ठीक है तुम ही बोलो। डियर स्टूडेंट। बाप रे, अभी तक 3 बार बोल चुके हो, आगे तो बोलिए। सुनो या ना सुनो, मुझे जो बोलना है मैं बोल कर रहूंगा, तुम बीच में मत आओ। तुमसे भी कोई नहीं बोलेगा, सब चुपचाप सुनो। हर साल की तरह हमने इस साल भी अपने कॉलेज में फ्रेशर्स डे मनाने का प्रोग्राम बनाया है। उसमें कहानियां, कविताएं, ड्रामा, गाना बजाना, खेल कूद सब कुछ रहेगा। जिसको इंटरेस्ट हो ऑफिस में नाम लिखा है, इसको नहीं मुझे। नाउ योर रनर। हमारे माँ बाप बड़ी मेहनत से रात और दिन एक करके, सुबह शाम तकलीफ सह के और अपना खून पसीना बहाकर, बिना खाए पिए भूखे पेट रहकर हम सब लोगों को उन्होंने आकर कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा है। और आप इसे नाटक ड्रामा कह करके हमारी जिंदगी से खेलना चाहते हैं? ध्यान से सुनिए प्रिंसिपल साहब, हमारी फीस हजारों हजार हसम करके एक दिन भी हमें ढंग से पढ़ाए बिना, ये पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे ऐसा झूठा विश्वास देकर आज क्लासरूम में आकर हम लोगों को पागल बनाने की कोशिश की जा रही है। ये कहाँ का न्याय है मैं पूछता हूँ अध्यक्ष महोदय। जय हिंद। बहुत अच्छा किया रामनाथ जी, इससे हम लोग फ्रेशर्स डे के दिन मिमिक्री का प्रोग्राम करवाएंगे। अरे तू कैसे यहाँ आ गया? तुझे सीट किसने दी? मैंने दी है। आपने? फिर मेरे दस्तखत? तुम कोई कमिश्नर हो जो तुम्हारा दस्तखत चलेगा? मैंने अंगूठा लगा दिया है। आप हर जगह इसे अपना अंगूठा नहीं लगा सकते। उसने 10,000 दिए थे, तुम्हारे लिए 5,000 की अंगूठी बनवाई है। जिन्हें इंटरेस्ट है ऑफिस में आकर नाम दे सकते हैं। पहले भी बोल चुके हो ना, अब चलो। भाई यही है वो। हाँ जी, लगता है वो लोग हमें टपकाने आए हैं। चलो भाग चलते हैं। तुम जाकर गाड़ी स्टार्ट करो, मैं आता हूँ। अच्छा, गाड़ी फुल रेस में रखना। ओके। इसको मारने के लिए बुलाया गया है? एक ही मार में मजा आएगा बेटा। छोटे, तुझे देखकर मारने का मन नहीं करता, मेरे आदमी को सॉरी बोलकर खामोश निकल ले। नहीं बोलूंगा। ये देख,
मसल देख मेरे, रोज का 18 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, 28 अंडे खाता हूँ और कुछ नहीं करता, मसल डालूंगा। मेरे आदमी को सॉरी बोल। नहीं बोलूंगा। ये मेरा थाई देख, तू मेरे थाई जितना है, मर जाएगा। चल अब चुपचाप सॉरी बोल। मैं नहीं बोलूंगा। सॉरी बोल, मेरे आदमी को सॉरी बोल दे। मैं नहीं बोलूंगा। नहीं बोलेगा। गुंडों से क्या काम? कॉलेज में दादागिरी करना चाहता है क्या? ए, हमारे ऊपर कोई हाथ न डाली, इसलिए हमें एक होना चाहिए, पर हम आपस में लड़कर इन गुंडों को अंदर बुलाते हैं। अगर दोबारा इस तरह की हरकत की तो जान ले लूंगा तेरी। Excuse me, I'm sorry. मेरी वजह से ये सब हो गया ना, आप इसे भूल जाइए। एक 500 रुपए उधार मिलेंगे। किस लिए? इस साइलेंसर की बात पापा जान गए तो अनर्थ हो जाएगा, रिपेयर कराने के लिए। ओके ओके ओके, लीजिए। सीएम पीएम बनने का न ख्वाब मैं देखूं, यूके यूएस जाने का न सपना मैं देखूं। गंगूबाई, हाँ शायद जीतू आ गया है, जाकर पानी गर्म कर दो। अच्छा मालकिन, बंदिशों में रहना कभी ना मैं चाहूं। ये मेरी फेवरेट शर्ट है, सर्फ में डालो या एरियल में डालो, शर्ट चकाचक चमकनी चाहिए। भूख लगी है, जल्दी से खाना लगाओ। जरा रुकना, ये दा कैसे है? दीदी वो जीतू का किसी से। सच बता, पापा की मेहनत को देखकर जीतू कोई मोटर गैरेज में काम कर रहा है ना? सच बोल। हाँ। तो बोल क्यों नहीं रहा है? दीदी
माँ का दिल क्या होता है तुमने एक शब्द में कह दिया है। तुम जैसा सोचती हो वैसा हीरो नहीं है। जाओ जाके अपना काम करो। क्या दीदी तेल में बनाया है? घी में नहीं बना सकती थी क्या? अरे घी में नहीं, तेरे लिए घास पेट पे बनाना चाहिए। सॉरी जीजा जी, मैंने आपको आते नहीं देखा। ये क्या पढ़ रहा है तू? स्टार डस्ट। कौन सा डस्ट? स्टार डस्ट। इसे पढ़ने के बजाय कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकता तू? पढ़ू तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मिलेंगे तो अच्छी रैंक मिलेगी। हाँ तो अच्छी नौकरी मिलेगी। मिलेगी तो तू आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकेगा। अब मैं कैसे जी रहा हूँ? अरे थोड़ा आराम से खा, नहीं तो मर जाएगा। ऐसे पैर मत हिला, मेरी जलती है। बाप दिन रात मेहनत करके कमाता है। अच्छे से पढ़ लिखकर तुम अपना नाम रोशन करना नहीं चाहते? समय पर खाते हो, दिन भर आवारागर्दी करते हो। सुनिए जी, आप इसे नजर मत लगाइए। आपकी नजर से वो कितना कमजोर हो गया है। कितने अच्छे से उसकी। ये कमजोर हो गया है, ऑल स्टेशन कुत्ता हो गया है। हट यार, आराम से खाना भी नहीं खाने देते। मैं खाना नहीं खाऊंगा। चलो पांजे, मैं भी आता हूँ। क्यों आप इसे देखते ही इस तरह से डांटने लग जाते हैं? देखिए अब बिना खाए चला गया मेरा बेटा। वो मेरे डांटने की वजह से नहीं चला गया है, खाना खत्म हो गया इसलिए गया। ठीक है, अब कुछ कीजिए और इसे घर से बाहर मत जाने दीजिए, ठीक है? लेकिन वो मेरी बात सुनता ही कब है? नहीं, ये सब कुछ नहीं जानती। इसे घर से बाहर मत जाने दीजिए। बेटा जी तू कहाँ जा रहे हो? बेटे नहीं बता सकते कहाँ जा रहे हैं। बेटा जी तू हाँ बोलो। ये 500 रुपया लो और आज सारा शहर घूम कर आ जाओ। ले लो ना बेटा। ठीक है, इस बार मैं आपकी बात मान लेता हूँ। बड़ा अच्छा सेट बनवाया है, फिल्मी सेट की तरह। ड्रेस कैसा लगा? बहुत बढ़िया। हाँ चश्मा मेरा है। अरे छोड़ो यार बेकार की बातें। अच्छा है, फ्री की चीज अच्छी होती है। इस तैयारी में 2 लाख रुपए घुस गए हैं मैनेजमेंट के। रामराज जी आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आपने मेरा ड्रेस क्यों पहन रखा है? ड्रेस भी आपका? इसके लिए इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? I'm sorry, sorry, sorry. देखिए जितने भी लोग आए हुए हैं आप उनके खाने का उचित प्रबंध कर लेते तो फिर मैं क्या करूं? असल में ये डेज रखने वाले को मारना चाहिए। ऐसा क्यों? ये उससे क्या मतलब? हाँ। किसी दिन फ्रेशर्स डे, किसी दिन लवर्स डे, फ्रेंडशिप डे, फादर्स डे, चिल्ड्रंस डे, मे डे, टू डे, कुत्तों का डे, बिल्लियों का डे। इन घटिया डेज की वजह से मैं अपना बर्थडे नहीं मना पा रहा हूँ। क्या करते हो? आज के दिन मेरे बर्थडे को एड्स डे बना दिया है। हेलो आंटी। हाय, आज कौन कौन परफॉर्म कर रहा है? अपनी नंदिनी और एक लड़का जितेंद्र। आइए आइए आंटी। रामनाथ जी आप जरा मेरे पीछे पीछे आइए, नहीं तो सब आपको ही प्रिंसिपल समझेंगे। क्यों? अब लोग तुम्हें प्यून समझेंगे तो इसमें बुराई क्या है? तुम ही मेरे पीछे आओ। ए जी तो तेरे लिए कोई आया हुआ है क्या? है सर। देखो तुम बहुत ओवर कर रहे हो। क्या किया मैंने? तुम नंदिनी के साथ कुछ ज्यादा ही मनमानी कर रहे हो। वो गाना था भाई, ऐसा करना पड़ता है। ए, वो लड़की कौन है जानते कौन हो? है? गौरी की बेटी है। इस लड़की के साथ तुम्हें सब करना छोड़ दो, दोबारा उसे देखना भी नहीं और उसे बात भी मत करना। उसी लड़की को देखूंगा, उससे बात भी करूंगा और उससे प्यार भी करूंगा। तूने मुझे मजबूर कर दिया, तूने मना किया ना, इसलिए मैं उसी लड़की से प्यार करूंगा। जो उखाड़ना है उखाड़ ले। इस बात को भाई से बताकर इसे मैं काट डालूंगा। इस झगड़े को तुम यही भूल जाओ, कॉलेज में तो स्टूडेंट ऐसे ही क्लोज रहते हैं। बेकार में इन दोनों के बीच ऐसी बातें पैदा मत करो। इस बात का अगर उन्हें पता चला मैं ही तुम्हें खत्म कर दूंगी। नीलिमा। जी तू मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है? अपनी उम्र ही ऐसी है, वो जहां भी देखे तो हमें लगता है कि वो हमें देख रहा है। अपनी फिलॉसफी छोड़, जीतू मुझे ही देख रहा है। देख तो रहा है लेकिन तुम्हें देख रहा है या मुझे देख रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। And then we do H2O plus 5 and then it equals H2O 4-6-5 and then it equally goes to 2H2 plus O25. जीतू? मामा जी तुम चलो। ओके ओके। क्या है लाइन मार रहे हो? लाइन क्या मतलब?
ऐसे अनजान बन रहे हो जैसे कुछ नहीं जानते। क्लास में तुम मुझे क्यों देख रहे थे? हाँ मैं तुम्हारी तरफ क्यों देखूँ? नहीं देखा। झूठ मत बोलो। तुमने देखा है? नहीं देखा। तुमने देखा है? नहीं देखा। तुमने देखा है? मैंने देखा। तुम कैसे जानती हो? कैसे नहीं जानती, तुम्हें देखते हुए मैंने देखा है। फिर तुमने मुझे क्यों देखा? तुम मुझे क्यों देख रहे हो? इसलिए मैंने तुम्हें देखा था। हाँ वही तो, मैं भी तो वही देख रहा था। बात को मत बदलो। तुमने जानबूझकर मेरी तरफ बार बार देखा है। ओफो, मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्लास में इतनी सारी लड़कियां होने के बाद भी मैं तुम्हें ही जानबूझकर बार बार क्यों देखता हूँ, बताओ? अरे ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने तुम्हें ही देखा है ना, किसी और से पूछूंगा तो क्या ठीक रहेगा? बोलो, मैंने तुमको ही क्यों देखा? तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। तो अब क्या करेंगे? ठीक है, सच में मैंने तुम्हें ही देखा, क्यों देखा ये हम बाद में बात करेंगे। ओके चलता हूँ। क्या है राज साहब, सुना है आपकी लड़की से कोई मैकेनिक प्यार कर रहा है? छी, ये बहुत गलत है। बाप जी को भेज रहा हूँ, उसका डिटेल्स दे दो। हाँ ए बाप जी, भाई राज से मिलकर उस मैकेनिक का बैकग्राउंड क्या है पता करो। हाथ पे तोड़ दो उसका। ठीक है भाई। ए मलेश, मलेश, मलेश भाई, आप कैसे आए भाई? ये सब अंदर नहीं कर सकते क्या? तेरी जरूर है। नहीं भाई, जाएंगे क्या? अरे चुप। बाप जी, भाई ये बनाता देसी शराब है, पीता है इंग्लिश, इसका ही काम ठीक है रे? रोज नहीं पीता भाई, आज मेरा बर्थडे है इसलिए पी रहा हूँ। अच्छा बता, मैंने मस्तान को टपकाने के लिए बोला था, टपका दिया क्या? टपका दिया भाई। तूने जो बोला अगर मैं मान लूँ तो सच है, ना मानो तो झूठ है, इसे मान लूँ क्या? उसे मार दिया भाई। इसे मान लूँ क्या? इसे मान लूँ क्या? मस्तान तो मुझसे गलती होगी भाई। क्या रे, तूने मुझसे धोखा किया? तू इस बात को जानता था ना? गलती हो गई भाई, मुझे छोड़ दो। अरे आंखों से पेशाब क्यों निकाल रहा है? डर लग रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। अरे डर लगे तो नीचे से करने का रे, आंखों से नहीं। अच्छा मैं बताऊँ तू रो क्यों रहा है? अगर मौका मिले तो अभी इसी पल तू मुझे यहीं पर टपका। नहीं भाई। सही कर रहा हूँ ना, इसीलिए तू रो रहा है ना? अरे धोखेबाजी भी दो किस्म की होती है, एक तो सामने वाले के साथ करना, मारना, काटना, रेप करना, ये सब है, और दूसरा खुद अपने आप के साथ करना, सिगरेट पीना, शराब पीना, और तुझ जैसे भरोसा तोड़ने वाले को साथ रखना। नहीं भाई। क्या रे, मैंने तो तुझे सिर्फ चेस सीखने के लिए कहा था, और तूने तो मुझे ही चेस करने का प्लान बना लिया। ए मस्तान, मेरी कब्जा की हुई जमीन तूने कब्जा किया है, इसीलिए तुझे टपकाने को बोला था। तेरे से पैसा लेकर मेरे साथ इसने धोखा किया, कल ऐसा ये तेरे साथ भी कर सकता है। मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, इसको मार डाल। अरे ले ले यार, मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, टपका दे इसे। नहीं, नहीं भाई। ये कैसा आदमी बाप जी, गन दिया तो बजाय मुझे मारने के इसे मार दिया। अरे पागल, मुझे मार देता तो तुम दोनों जिंदा बच जाते, तेरे अंदर भेजाएगी नहीं। अरे बेवकूफ, ऐसा काम करते वक्त सामने कौन खड़ा है ये देखना तेरा काम है ना? हराम हराम खोर, हमेशा टेंशन देते रहता है। बहन जी सुनो, बहन जी तुमने इसे मारते हुए अपनी आंखों से देखा है ना, इसीलिए तुम इसको मारोगी। अरे आओ ना, चल मार इसे, बाकी सब काम करने आता है ना। मार। देखो अब इन हत्याओं से तेरा भी संबंध है, अगर कहीं मुंह खोली तो तू भी फंसेगी। चल जा। ये क्या, मार दूं तो टेंशन, ना मारूं तो टेंशन, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आपको टेंशन नहीं लेने का भाई, आप उन लोग सब देख लेगा। मान लूं क्या भाई? तो फिर क्या करूं? टेंशन देख ले। देवी हाँ, काना लगा दो। नंदू आओ, तुम भी खाना खा लो। नहीं मम्मी। सुनो नंदिनी रोज कॉलेज से सही समय पर आती है ना? आती है, आपको उस पर विश्वास नहीं है क्या? विश्वास से काम नहीं चलता, ये उम्र ही कुछ ऐसी है, नौजवान लड़की है ना, प्रेम विरेम के चक्कर में पड़ गई तो मेरी टेंशन में एक और टेंशन खड़ी हो जाएगी। नंदिनी बहुत अच्छी लड़की है जी। तुम अच्छी नहीं हो क्या? तुमने मुझसे प्रेम नहीं किया? प्रेम अच्छे बुरे में फर्क नहीं जानता, हमको इस मामले में सावधान रहना होगा, उस पर नजर रखो।
कहाँ जा रही हो? क्लास में। बाद में चले जाना, मेरे पास एक लव लेटर है, बोलो किसको दूँ तो ठीक रहेगा। मैटर में बहुत जान है, खून से जो लिखा है मैंने। रानी को दे दूँ? नहीं नहीं, उसका तो पहले ही किसी के साथ चक्कर चल रहा है। निर्मला मेरे लिए कैसी रहेगी? सुजाता, बाप रे, वो अपने रेंज की नहीं है। बताओ ना किसको दूंगा तो सही रहेगा। सत्यवती, प्रभावती, नागलक्ष्मी, वाहिनी। एक काम करो, तुम ही इसे रख लो, इसमें कोई रिस्क नहीं रहेगा। क्या बकरा है तू? हैं? ऐसा मत बोलो। हैं? तुमने क्या कमी है? सत्यवती से थोड़ा तो खा लियो बस। हैं? मैं इतना नहीं झेल सकता क्या? आराम से पढ़ लो। कहा ना मैंने, ये मैटर तुम्हें सब कुछ दिखा देगा। ये लो रखो, पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ लेना, बाद में बताना टाइम लेकर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज ये पुल्ला राव आप लोगों की स्पेशल क्लास लेंगे। अब आप जा सकते हैं। नहीं जाऊंगा। तुम लेशन कैसे पढ़ाते हो मैं भी सुनूंगा। सुनिए, बैठिए। ये क्या मुसीबत है, हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गया। क्या कहा? कुछ नहीं, बैठिए। आज जो मैं क्लास ले रहा हूँ वो मैथमेटिक्स का है। अरे बेनु सर, अलजेब्रा का मतलब बताओ। सभी जेब्रा एक जगह जमा हो जाए तो उसे अलजेब्रा कहते हैं। बहुत अच्छा कहा, अलजेब्रा। मामा जी देख रही है क्या? हाँ देख रही है। इधर ही देख रही है क्या? आंखें फाड़ कर इधर ही देख रही है। अभी भी देख रही है? अरे कहाँ ना, इधर ही देख रही है। हे, इससे क्या हो गया? जीतू मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है। कल वो देख रहा था तो तकलीफ थी, आज नहीं देख रहा है तो तकलीफ है। मुंह बंद रखो, लेसन सुन। चपड़ गंजू, क्या हुआ? उधर वो बोर कर रहा है और इधर इसकी कमेंट्री से मेरा सर दर्द कर रहा है। चलो बाहर चलकर घूमते हैं। प्रिंसिपल है वो, जान से मार देगा। स्कूटर चलाने के बहाने भाग। क्या हो रहा है? मैं यहाँ सीरियसली लेसन पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग फालतू बात कर रहे हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। सच बोलो, इस पुल्ला राव से झूठ बोलोगे तो पछताओगे। तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना सर। हम और आपका मजाक, हम जैसे निकम्मे आपका मजाक कैसे उड़ा सकते हैं सर? आप ही कुछ बोलिए ना रामनाथ जी। तुम निकम्मे नहीं हो दोस्त, चालाक हो। हमारे कॉलेज की इज्जत रखने वाले बगुले हो, हमारे दादाजी के बनाए हुए कॉलेज के पेड़ के कौए हो। रामनाथ जी अब और अपनी तारीफों के पुल मत बांधिए, आप तो बोल। सर मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। कॉलेज में आने के लिए मैं अपने स्कूटर में बैठ गया, स्टार्ट किया, हैट्रिक। स्टार्ट नहीं हुआ ऐसे करो, पूरा नीचे झुकाया, खड़ा करके फिर स्टार्ट किया। स्टार्ट हो गया, पेट्रोल कम था, कहीं आगे जाकर रुक ना जाए इसलिए मैंने फुल रेस किया। फुल स्मोक, उस धुएं में से धीरे से वेनू एक आवाज आई। किसकी थी आवाज? मेरी थी सर। तुम यार कॉलेज जा रहा है क्या? हाँ यार। रुक जा, मैं भी आ रहा हूँ। जल्दी कर, तू लेट हो गए तो प्रिंसिपल साहब डांटेंगे। फर्स्ट गियर लगाया खच और स्कूटर पर कॉलेज के लिए निकल पड़ा। सर स्कूटर मेरा है सर। है? तो तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ पीछा करो, जाओ। ए, रुको रुको, रामनाथ जी ये लड़के अब तक क्यों नहीं आए? एक्सीडेंट हो गया होगा। एक्सीडेंट? तो फिर आप यहाँ क्यों खड़े? चलिए देखते हैं। वो लोग तुम्हें बेवकूफ बना के चले गए। क्या है, स्कूटर के बहाने वो लोग क्लास छोड़कर चले गए। क्या कहा, ये सब नाटक था? मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है रामनाथ जी। इतने भोले हो तुम, प्रिंसिपल कैसे बन गए भाई? ये भी मैं नहीं समझ पा रहा। बाद में ले लेना। बड़े भैया प्लीज जरा वहां जाके बैठ जाइए। इसलिए? प्लीज भैया। ओके। नीलिमा वो देख रहा है? नहीं देख रहा है। पर वो क्यों नहीं देख रहा होगा, जाकर पूछू क्या? चुप कर। नंदनी अब तुम अपने दिल में क्या सोच रही है बताओ। क्या सोच रही हूँ? कल तो जीतू मुझे बार बार देख रहा था, आज क्यों नहीं देख रहा है ना? मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। दिल में छुपी बातें लड़कियाँ कभी नहीं बताती, मैं जानता हूँ तुम यही सोच रही हो। जीतू ओके, मैंने तुम्हें नहीं देखा ये सच है। क्यों नहीं देखा ये फिर कभी बताऊंगा। ओके बाय। इसे क्या हो गया, कभी देखता है और कभी नहीं देखता। कुछ पूछूं तो फिर कभी बात करेंगे कहता है। दरअसल ये मेरे बारे में सोचता क्या होगा? अरे वो कुछ भी सोचे, तुझे क्या लेना देना। ये बात नहीं है, कल वो मुझे बार बार देख रहा था ना, लेकिन आज क्यों नहीं देख रहा है, क्या मतलब है इसका? जीतू से प्यार हो गया है। छी छी, लवर उससे? किया जिसमें भी मोहब्बत, बंदगी
फिल्मी गाने कभी कभी मुझे सच्ची लगते हैं। लगता है ये तेरे लिए ही गा रहा है। अपना मुंह बंद रख। मतलब क्या तू उससे प्यार नहीं करती? नीलू, तेरे कहने से या उसका मेरे लिए गाना गाने से मैं किसी के प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ने वाली। समझ गई ना? मैं जीतू से प्यार नहीं करती। ठीक है, तुम्हारे प्रेम कहानी से मुझे क्या लेना देना। बाहर मेरा कोई इंतजार कर रहा है। बाय, सी यू। भांजे, तू नंदिनी से प्यार करता है या टाइम पास कर रहा है? प्यार कर रहा हूँ। अगर ये बात है तो कभी देखना कभी नहीं देखना, ये सब करने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट जाके आई लव यू क्यों नहीं बोल देता? चप्पल निकाल के मारेगी। मैं कोई आमिर खान हूँ या अमिताभ बच्चन हूँ तो मैं आई लव यू बोलूँ और वो आई टू बोलेगी? हम जैसे उसे प्यार करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है मामू, अभी तो अपने बारे में सोचेगी। भांजे, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। यू आर सो लकी। तुझमें इस मामा की सब समझदारियां आ गई हैं। नहीं नहीं, जल्दबाजी मत करो, चलो चलते हैं, मंदिर जाना है। ये क्या पापा, शंकर भगवान के मंदिर को छोड़कर आप साईं बाबा के मंदिर में क्यों आ गए? वो क्या है बेटे कि तुम शनिवार को डिस्को में जाते हो ना, तुम्हें तो नहीं बदल सकता, इसलिए भगवान को ही बदल दिया। हाँ, आप ऐसे ही कहते रहिए, वो अब गुरुवार को भी कोई प्रोग्राम फिक्स कर लेगा तब पता चलेगा। नमस्ते सर, मैं इस मंदिर का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। आइए आइए सर, आइए। आइए पुजारी जी, पहले इनकी पूजा करवाइए। अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। भगवान, मेरी एक ही ख्वाहिश है, मैं जब तक जिंदा हूं मेरे रास्ते में कोई ना आए। बेटा, भगवान के दर्शन करने के लिए आए हो ना, आंख क्यों बंद कर रहे हो? आंख खोल के भगवान को देखो। भगवान को आंख खोलकर देखने से उनकी कीर्ति लेने की इच्छा होती है, दिलवाएंगे। भगवान का सामना करने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है, इतनी हिम्मत कुछ जैसे गलती करने वाले में नहीं। जानकर भी गलतियां करने की क्या जरूरत है, छोड़ सकते हो ना। मैं नीतियां कहना जानता हूँ लेकिन सुनना नहीं जानता। आदमी को गलतियां करनी चाहिए, भगवान को क्षमा करना चाहिए, पुजारी को पूजा करनी चाहिए। करेंगे। ओम साईनाथाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमः, ओम साईनाथाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमः। अगर उसका बाप देख लेगा हाथ काट डालेगा। काटने दो ना, मेरा हाथ है, तुमको क्या प्रॉब्लम? तेरा हाथ हमेशा मेरे कंधे पर ही रहता है। चुप कर। साई राम। क्या तुझे आंख से दिखाई नहीं देता? हाँ, तेरा बैकग्राउंड क्या था? तू करता क्या है? मंदिर के बाहर मेरी दुकान है। हाँ? मंदिर के बाहर फैंसी शॉप है। गौरी को जानता है तू? वो मैं हूं। फैंसी स्टोर और किराना की दुकान वाले को देख कर चलना पड़ता है। चल उनसे बांटूंगा। तेरा सर फूटने वाला था, उसका सर फूट गया। तू नंदिनी को भूल जा यार। अब तो मेरी हिम्मत और बढ़ गई है, अगर प्यार करना है तो ऐसी आदमी की बेटी से करो। क्या कहा? इंडिया अगर क्रिकेट खेले तो पाकिस्तान से ही खेले, बांग्लादेश से खेलेगा तो क्या मजा आएगा। चल चल। मंदिर में गुंडागर्दी किस लिए? मासूम लोगों को क्यों मारते हैं आप? ताकतवर को मारूंगा तो क्या वो चुप बैठेगा? वो भी मारेगा। अगर एक मासूम को मारूंगा तो ताकतवर भी देखकर डरेंगे। पर आपने उसे इतना किस लिए मारा? किस लिए मारा है? 20 साल पहले जब मैं तुम्हें लेने आया था, मुझे मारने की कोशिश की थी तुम्हारे बाप ने। उससे पूछो, वो बताएगा फादर साइकोलॉजी क्या होती है। मामा जी, तुम्हारा लव लेटर आ रहा है। अरे यार, ये इतने गुस्से में क्यों आ रही है? मारेगी क्या? मारेगी तो हम चुप रहेंगे क्या? क्या करोगे? फौरन हॉस्पिटल लेके जाएंगे। कमीना कहीं का। हाय। हेलो। मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ा। खून बहुत लाल है ना, इसीलिए तो मैंने एहतियात के तौर पर ब्लड टेस्ट कराया है। लेटर लिखे हुए ब्लड को तुमने टेस्ट करा दिया? क्या रिपोर्ट आई? शुगर, मलेरिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। थैंक यू। लेकिन कैंसर है। कैंसर? ये क्या है, कैंसर तुम्हें तो ये क्यों गिरा? उसके ब्लड से ही तो लिखा था। इसे कैंसर, ये बात मैं नहीं जानता था। जानता तो किसी और के खून से लिखता। आई एम सॉरी सौम्या। कैंसर ब्लड से लिखा हुआ कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए कुछ देर के लिए मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। आओ। तो फिर हम रूम चलकर बंद कमरे में बात करेंगे। मामा जी, क्या है? कॉलेज है। तू अभी बच्चा है, कुछ नहीं जानता, मुंह बंद रख। चलो रूम पे चलते हैं। सौम्या, दरवाजा बंद कर दूं? ओके। मुझसे ज्यादा उतावलापन तो तुम्हें है। दरवाजा बंद कर दिया यार। हाँ, दिख रहा है।
ए, अंदर वो लड़की कहीं उसकी धुलाई ना कर दे। ए, मेरे मामा को इतना बुद्धू ना समझ, लड़कियों के विषय में बहुत टैलेंटेड है। ए, हमने जो सोचा था ऐसा कुछ नहीं हुआ यार, वो बड़ा खुश होकर आ रहा है। सिगरेट दे यार। ऐसे क्या देख रहे हो तुम लोग? मैं अंदर जाके उस लड़की से मार खाया यही सोच रहे हो क्या? अरे ये कैसा हो सकता है यार। यही वाला। अरे क्या हो गया मामा जी? मामा जी अंदर क्या हुआ आपके साथ? अंदर गए, दरवाजा बंद किया। मैं तुम्हारी इज्जत बचाऊंगी ये कहा तो मैंने कुछ और ही समझ लिया। मुझे अपना बदन दिखाने के लिए कहा तो मैंने अपना बदन दिखा दिया। फिर उसने मुझे कुत्ते की तरह पीटा भांजे। ऐसे क्या लिखा था उस लेटर में? इसमें फेल लाने के लिए दो ही वल्गर शब्द लिखे थे। शायद उसे यही बात बुरी लगी होगी। उसने तुम्हें नॉन स्टॉप मारा? इंच इंच पर उसने पंच मारे भांजे। अरे आप चुप हो जाओ यार। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगी। हाय। जरा हंस के नहीं बोल सकती? फिर कभी मत हंसना प्लीज। ठीक है। कल मंदिर में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लगता है ड्रेस की वजह से। खूबसूरती कपड़ों से नहीं होती। फिर पहनने की क्या जरूरत है, उतार दो ना। तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। अच्छा तुम्हारे पापा की तरह तुम भी बहुत गुस्से वाली हो ना? हाँ, वो हमारे बारे में नहीं जानते ना। क्या है हमारे बारे में? क्या है भाई जो हम दोनों के बीच में चल रहा है? क्या चल रहा है हम दोनों के बीच में? क्या चल रहा है? हाँ ऐसा क्या चल रहा है हम दोनों के बीच? जीतू शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। हम दोनों के बीच कुछ तो है पर क्या है पता नहीं, कंफ्यूजन है मुझे। जीतू तुम मुझे बहुत टेंशन दे रहे हो। किसी दिन देखते हो किसी दिन नहीं, कभी बात करते हो कभी बात नहीं करते, और अगर कुछ पूछूं तो फिर कभी बात करेंगे कहते हो। तुम्हें तो मैं आज तक समझ नहीं पाई हूँ। अच्छा कूल 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 कूल, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें छूने की वजह से तुम्हारे पापा ने उसे इतना मारा, मतलब तुम्हें केवल छूने से ही मारेंगे? फिर क्या नहीं मारेंगे? तुम्हें छूने पर ही मार देंगे क्या, जैसे उनका राज हो? अगर तुम किसी को छुओ तो? अरे मैं क्यों किसी को छूंगी? अगर मान लो छू लिया तो? नहीं छूंगी। छूलोगी तो? नहीं छूंगी। छूलोगी तो? नहीं छूंगी। प्रॉमिस। नंदिनी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? वही जिस बारे में हम कहते थे बाद में बात करेंगे, आज वही बात करने का दिन आ गया है। वो सारी बातें अगर आज ही कर लेंगे तो ठीक रहेगा। शाम को 4 बजे कॉलेज की छत पर इंतजार करूंगा, आ जाना। मैं कहीं भी नहीं आऊंगी, ये बात यहीं खत्म कर दोगे तो तुम्हारे लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी, समझे? खत्म कर दूं ऐसा सोचना भी नहीं। नंदू कॉलेज की टेरेस पे 4 बजे जाने के लिए मत भूलना, ओके? प्लीज। ये तो मेरे पीछे पड़ गया। प्लीज। जीतू चाहे कुछ भी करने में कन्विंस नहीं होंगी। हाय। अरे तुम इतनी जल्दी आ गई? जल्दी वापस जाने के लिए। बोलो क्या कहना चाहते हो? ये प्यार बहुत नाजुक चीज होती है ना नंदिनी? पता नहीं, मैं नहीं जानती। मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं तुमसे वाकई सच्चा प्यार करता हूँ। तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा ऐसा लगता है। हर वक्त तुम्हारा ही ध्यान रहता है, जिसे देखो तुम ही नजर आती हो, सपने में भी। ये सब बोलना चाहता हूँ पर तुमसे बोल नहीं पाता। ए नंदिनी तुमसे कहूँ तो मारोगी या डांटोगी? जस्ट आई लव यू, कहूँ तो डांटोगी तो नहीं, लेकिन डर है, मैं बोल नहीं पाता। सॉरी नंदिनी मैं अब भी नहीं बोल पा रहा हूँ। ठीक है फिर कभी बात करते हैं। जीतू ज्यादा चालाक मत बनो, और कुछ कहना बाकी है? नहीं नंदिनी मैं तुमसे कह नहीं पा रहा हूँ, यही तो मेरी प्रॉब्लम है। देखो तुमने कह दिया और मैं सब समझ गई, लेकिन नहीं तुम उससे प्यार मत करो। क्यों? तुम मेरे बारे में जितना जानते हो ना, मेरे पापा के बारे में नहीं जानते। तुम मुझसे प्यार करते हो अगर उन्हें पता चला ना। नहीं जीतू प्लीज। नंदिनी मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, तुम्हारे पापा के बारे में नहीं। मैंने जो कहा तुम समझ सकते हो ये मैं जानती हूँ, मेरी बात मानो, मुझे भूल जाओ।
चाहती हो मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। जीतू प्लीज एक बार तुम मेरे पापा के बारे में सोचो। तुम मेरे बारे में सोचो, मुझ पर विश्वास है या नहीं? नहीं जीतू, तुम मेरी बात मानो प्लीज। तुम मुझे चाहती हो कि नहीं? जीतू प्लीज। चाहती हो? प्लीज। चाहती हो? प्लीज। चाहती हो? प्यार किया तो तुम सोचो ना प्यार है का होना, दुनिया से डरो ना जाने भी दो यार, कल की तुम सोचो ना होगा जो है होना, प्यार होने दो ना जाने भी दो यार, प्यार किया तो डरना क्या। ज्यादा तुम सोचो ना प्यार है का होना, दुनिया से डरो ना जाने भी दो यार, जिसमें भी मोहब्बत बंदगी है वो रब की, कहते हैं जिसे मोहब्बत। सुनना तुम दिल की बातें सदा, करना तुम अपने दिल की सदा, किसी से डरता ना प्यार तो झुकता ना, प्यार है मस्कारा प्यार है दीवाना, प्यार किया तो डरना क्या। तुम सोचो ना प्यार है क्या होना, दुनिया से डरो ना जाने भी दो यार। सोचो ना प्यार है का होना, दुनिया से डरो ना जाने भी दो यार, कल की तुम सोचो ना होगा जो है होना, प्यार होने दो ना जाने भी दो यार, प्यार किया तो डरना क्या। अच्छी Hey, कोई पागल इंसान हो तो भी इस तरह पानी में भीगने से घबराता है, पर तू इस तरह से पानी में क्यों भीग रहा था, क्या तुझे इतना भी पता नहीं है? हाँ तो अब क्या करूँ? फिर कभी इस तरह से पानी में भीगा तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। अरे 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 रुक जा, कहाँ जा रहा है? अरे रुक तो सही, रुक जा। ए जीतू। अरे अरे हाथ जोड़ता हूँ बेटे, चल अंदर चल। रास्ता छोड़ो बेटा, मेरी बात तो मान। अरे बेटा रुक ना। ये क्या कर रहे हैं आप? उसकी तबीयत खराब है, घर में आराम करने नहीं देंगे। तुम उनकी बात का बुरा मत मानो बेटे, आओ आराम कर लो। बिगड़ा हुआ इंसान रिस्क लेना जानता है, रिस्क करना नहीं जानता।
इसके पैदा होने से पहले मेरे सर पर पुट्टा पड़ते साईं बाबा के जैसे बाल हुआ करते थे। इसके लिए सोच सोच कर अब देखो क्या हो गया है, गंजा हो गया हूँ। आप मेरे लिए क्यों सोचते हो? तुम किस तरह जियोगे यही चिंता है। अगर आप जी सकते हो तो मैं क्यों नहीं जी सकता? तो चल बेटा चल। ए बता ना उसकी बात का क्या मतलब है? कुछ नहीं जीजा जी, जब आप जैसे सरफिरा इंसान जी सकता है तो मैं क्यों नहीं जी सकता हूँ? क्या बोला तू? मैंने कुछ नहीं कहा है, जो उसने बोला वही बताया है। गुड नाइट जीजा जी। ऐसे बेटे को कभी जन्म नहीं देना। मामा जी क्या है? प्यार में कितनी मिठास होती है। सबके मना करने पर देखा, सबके मना करने पर उसे बात की, सबके मना करने पर मैंने प्यार किया, लेकिन अब पता चल रहा है नंदिनी के बगैर शायद मैं नहीं जी सकता। ये प्यार भी क्या चीज है मामा? प्यार के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। हाँ किसी को कहते हुए सुना है, दो का पहाड़ा पड़ने जैसा आसान है, दूसरे विश्व युद्ध जितना मुश्किल है। प्यार के लिए हर मुश्किल सह सकते हैं, सारी दौलत लुटाकर भी प्यार नहीं मिलता मामा जी। दौलत के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन उनसे मिलने वाले जख्मों के बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। बाप रे, क्या बेटा तू अभी तक सोया नहीं? ये क्या है मम्मी? साईं बाबा की विभूति है, इसे लगाने से बुखार कम होता है। अब तो आग बंद करके सो जा। मामा जी नंदिनी से बात करनी है, उसके घर फोन लगाओ। हाँ नंदिनी के घर में इस वक्त फोन करोगे? अगर उसके पापा ने उठा लिया तो क्या होगा? फोन लगाओ। अरे ये बात नहीं है, मिमिक्री से मैनेज करो। करो हेलो। हेलो नंदिनी है क्या अंकल? तुम कौन हो? मैं नीलिमा बोल रही हूँ अंकल। इस वक्त क्या काम है? सॉरी अंकल, मैंने सोचा नंदिनी इस वक्त पढ़ रही होगी। उसे बुखार है, एक मिनट। नंदिनी तुम्हारा फोन, बात करो बेटी। नंदिनी को बुखार है भांजे। नंदू को बुखार है? नंदू मैं जीतू। जीतू फोन रख दो। रख दूंगा, तुम्हारा बुखार कैसा है? थोड़ा सा बुखार हुआ है जीतू। तुम्हें देखने का मन कर रहा है? जीतू प्लीज, नीचे मेरे पापा है। लगता है किसी ने उठा लिया। नंदिनी किसी ने फोन उठाया क्या? तो मुझे कुछ ऐसा लगा, लेकिन ये तो बताओ तुझे बुखार कैसे हो गया? तूने कोई दवाई ली क्या? कल तुम कॉलेज आ रही हो कि नहीं? उसने फोन रख दिया। बेकार मेरी टेंशन में आ गया था इस फोन की वजह से। नंदू कल कॉलेज आओगी ना? आऊंगी, तुम फोन रख दो, पापा ने सुन लिया तो मार डालेंगे। हेलो हेलो नंदू, हेलो। फोन रख दिया मामा, नंदू को देखने का मन कर रहा है, उसके घर चलते हैं। हे, मुझे तो फोन करने में घबराहट हो रही थी, और अब उसके घर जाएंगे तो उसका पापा हमें मार डालेगा। अरे जिंदा रहने से किसी का फायदा है क्या? कम से कम खुद तुम्हें, हे तुम्हारी मौत मेरे प्यार के काम आ जाएगी, इससे बढ़कर तुम्हें क्या चाहिए मामा जी? जीतू देखो अंदर कोई गड़बड़ हो जाए तो सीटी बजा देना। पर क्यों? मैं तुरंत यहाँ से भाग जाऊंगा, कम से कम मेरी तो जान बच जाएगी। मेरी तो? ए बड़ों की इज्जत करना सीख, जा। अरे जा जा। टाइम क्या हुआ रे? एक बज रहा है। जी जी वो गाड़ी खराब हो गई है। ए रमेश भाई उतर के देख। ए, क्या हुआ रे? मालूम नहीं सर। लगता है खराब हो गई। ए, इधर मत रुकना, चल निकल ले यहां से। जी ठीक है सर। नंदू नंदू
होती। माँ ने कहा इसे लगाने से बुखार चला जाता है। ऐसे क्या देख रही हो? बहुत अच्छे लगते हो। तो फिर क्या आज की रात यहीं रुक जाऊं? अरे बाप रे नहीं, तुम चले जाओ। तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मुझे प्यार करो। नंदू, उसने तुम्हारे दिल में आकर गलती की है और हमारे घर आकर उससे भी बड़ी गलती की है। इस बात की खबर तुम्हारे पापा को हुई तो मार डालेंगे उसे। तुम्हें उसे भूलना पड़ेगा। मम्मी, अब सो जाओ। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मालकिन ने मना किया था। मालकिन ने मना किया था तो नहीं बताएगा तू? नहीं बताएगा? नहीं बताएगा? ये इसे मारने से, मेरी पत्नी को मारने से इस समस्या का हल नहीं निकल सकता। क्या करना है सोचता हूं। उसके लिए इतना सोचने का नहीं भाई। अच्छा, मैं उसके लिए नहीं सोच रहा, प्यार के बारे में सोच रहा। अपनी भाईगिरी, गुंडागिरी, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। लादेन से लड़ सकते हैं लेकिन लव से कभी नहीं लड़ना चाहिए। तो फिर नंदिनी मालकिन को आप खुद ही वार्निंग दे दीजिए। यह और भी गलत है। सिगरेट पीने वाले को मना करने से वो और भी सिगरेट पिएगा। उनके प्यार के बारे में मुझे पता चल गया है। इस बात की खबर नंदिनी को हो गई तो मेरी इज्जत चली जाएगी। रमेश जी भाई, तू चार आदमी को लेकर उसके घर जा, उसके माँ बाप को वार्निंग दे। अगर दोबारा वो गौरी की बेटी की तरफ नजर उठाकर देखे तो मार डालूंगा बोलकर डरा। मध्यम वर्ग के लोग अपने बढ़ते हुए बच्चों से बहुत आशाएं रखते हैं, इसलिए वो अपनी समस्याएं खुद ही सुलझा लेते हैं। देखो, किसी को भी मारने पीटने की कोई जरूरत नहीं। मिडिल क्लास के लोगों को डराना ही काफी है। जाओ। मम्मी, ये सब क्या हो गया? मामा जी, ये सब कैसे हुआ? गौरी के आदमी आए थे। अरे ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? रुको रे, बात कर रहा हूँ। सुना है तुम पोस्टल डिपार्टमेंट का काम करते हो और शंकर की बेटी से प्रेम करना तुम्हारे बेटे को जरूरी है? ए, मैंने कहा ना रुको। देखो, टीवी टूट जाए तो इंस्टॉलमेंट में ली जा सकती है, फ्रिज टूट जाए तो स्कीम में खरीदा जा सकता है, लेकिन बेटा चला जाए तो मुश्किल हो जाएगी। अपने बेटे को बोल दो दोबारा गौरी शंकर की बेटी पे नजर डालेगा तो सामान की जगह लाशें गिरेंगी। बेटा, अगर कोई मिडिल क्लास की लड़की से या कोई अच्छे खानदान की लड़की से प्यार करता तो तेरे लिए अच्छा होता। इन गुंडों से हमारा क्या वास्ता हो सकता है? इस लड़की को भूल जा बेटा। सुनिए जी, आप भी समझा दो कि ये उस लड़की को भूल जाए। क्यों क्यों बोलना पड़ेगा? क्या क्या बोल रहे हैं? उस लड़की को भूल जाए ये कहने का हमें हक नहीं है। अगर इसने कोई गलत काम किया है तो हमारा गुस्सा भी जायज है। देखो, अगर बेटा सिगरेट पी रहा हो तो सेहत खराब हो जाएगी कहा जा सकता है। अगर बेटा आवारा गर्दी करे तो भविष्य खराब हो जाएगा मना किया जा सकता है। लेकिन बेटे को प्यार करने से रोकने का हक किसी बाप को नहीं है। इसने उस लड़की से प्यार किया है, अब छोड़ देगा तो उस लड़की का क्या होगा? अगर अपनी कोई बेटी होती तब भी क्या हम उसके बारे में ऐसा ही सोचते? ए जीतू, तूने कभी भी मेरी बात नहीं सुनी। कम से कम इस बार तो तू मेरा कहना मान ले। तो कर उस लड़की से प्यार, देखेंगे वो क्या बिगाड़ेगा। इस तरह से क्यों बहका रहे हैं? क्या एक बाप अपने बेटे से इस तरह से बातें करता है? जो सही बाप होता है वो इसी तरह से बात करता है। जानती हो क्यों? क्योंकि कोई भी बाप अपने बेटे को कायर नहीं बनाना चाहता। हे जीतू, तू इस प्यार के खेल में अपनी जान की परवाह मत करना। प्यार के लिए लड़ो। तू उसी लड़की से प्यार कर और उसी से शादी कर। जा और जाकर ये बात उसे बता दे। मामा जी, तुम्हें पता है वो कहाँ रहते हैं?
क्यों बे, तूने ही मेरे घर आकर तोड़फोड़ की थी ना। तेरे बारे में भाई को पता चल गया है। पोकट में क्यों तू मरता है? क्या करोगे, मार दोगे? इतना आसान है क्या मारना? ओए क्या हुआ रे, क्या बात है? ए बैठ जा, बैठ जा। बात नहीं है भाई। मैं बोला ना बैठ जा। देखो इधर देखो। ए अरे मेरी बात तो सुन। चल निकाल, बोला ना निकाल। ए, ए? जब मैं उससे बात कर रहा था तो बीच में क्यों आ रहा था? हाँ हाँ, बीच में क्यों चल रहा था? ट्रॉली लेकर आओ। तुम्हारे आदमी है, मैंने मारा है, नीचे आ जाओ। जितेंद्र हूं, तुम्हारी बेटी से मैंने ही प्यार किया है। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर तक आ गए? तुम्हारे घर में आने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं, दो पैर ही काफी हैं। यहाँ तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मरने से सिर्फ एक सेकंड पहले मैं तुम्हें मार दूंगा, ये मेरा दावा है। तुम गुंडे हो तो मैं स्टूडेंट हूँ, अगर भड़क गए तो स्टेट में स्टूडेंट से बड़ा कोई गुंडा नहीं। हमें भड़काना मत। नहीं। क्या भाई नहीं कहते हैं? आप हाँ कहिए, मैं इसे काट कर डाल। क्या डालेगा वे? हाँ? क्या डालेगा? चल डाल डाल, तू मेरा बाल बाल भी नहीं उखाड़ सकता। ए, 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 बाप जी मैंने कहा ना नहीं।
तुम्हारे पास ऐसे कितने आदमी है? 30 आदमी, 40 आदमी, 100 आदमी, ये सब लोग पैसे के लिए काम करते हैं। लेकिन हमारे कॉलेज में हम 4000 स्टूडेंट्स हैं। हम सब अपनी दोस्ती के लिए मरते हैं। याद रखना, तुम्हारी बेटी से मैंने प्यार किया है। कुछ बोलना है तो सीधे मुझसे कहो, देख लेंगे। लेकिन मेरे घर में जाकर मेरी मम्मी पापा से मत बोलो। एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनो। जिंदगी में प्यार और नौजवान से कभी मत उलझना, चलकर राख हो जाओगे। मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता रहूंगा, तुम्हारी ही बेटी से शादी भी करूंगा। अगर तुम में दम है तो मुझे रोक कर दिखाना, चलता हूँ। भाई ये क्या बात है भाई, वो आपको धमकी देकर चला गया और आप देखते रह गए। उसके अंदर मुझे 20 साल पहले का गौरीशंकर दिखाई दे रहा है। गुस्से वाला आदमी आपके समान होता है, और वो भी गुस्से में है। जीतना हारना हमारे हाथ में नहीं है। जब मैं मुंबई पहली बार आया था तो कोई गोपाल मुझे मारने आया था। मैं उसको मार सकता था ये मुझे नहीं पता था, लेकिन अनजाने में उसे मार दिया। वो हार गया और मैं जीत गया। तब से लेकर आज तक मैं गौरी के नाम से जाना चाहता हूं। जो मौका मुझे मिला वो किसी और को नहीं दूंगा। सबसे भिड़ना आसान है, लेकिन स्टूडेंट से पंगा कभी नहीं लेना चाहिए। और अगर टकराना है तो सही समय पर टकराओ, गर्मी की छुट्टियों में। जब वो अकेला हो जाएगा तो काट डालूंगा। छुट्टियों के लिए और 2 महीने है ना, तब नंदिनी की शादी करेंगे। उस राम मोहन को फोन लगाओ, शादी की बात करने के लिए बुलाओ। तब तक इस बात की खबर किसी और को नहीं होनी चाहिए। अगर ये बात बाहर गई तो मेरी इज्जत जाएगी। इज्जत बहुत बड़ी चीज है। जाओ, आपके घर ये रिश्ता होने जा रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। ये सब आपका बड़प्पन है। आप जानते हैं ना, ये मेरी इकलौती बेटी है। मेरी संपत्ति जायदाद सब नंदिनी का है। ये बात बोलने की क्या जरूरत है समधी जी? बेटी नंदिनी नमस्ते। 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 हेलो, आप लोग क्या ले? एक मिनट। ठीक है भाई, फोन। एक्सक्यूज मी। ओके, क्या कर रही हो बेटी? कोई लेडीज है भाई। कौन से कॉलेज से? भवन कॉलेज। हेलो जीतेंद्र। बाद में फोन नहीं कर सकता क्या? अभी मौका मिला तुझे फोन करने के लिए, बाद में फोन कर। ए, फोन कट करोगे तो डायरेक्ट घर पर आ जाऊंगा। अच्छा बोल। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हें बेटी की शादी करनी है तो उसे प्यार से करो, मुझ पे गुस्से की वजह से नहीं। जिसके साथ उसकी शादी करवा रहे हो उसे देखा है? तबेले से भैंसे को उठा रहा है ऐसा लगता है। नंदिनी के पैरों की धूल भी है वो। हाँ, इससे तुझे कह लेना देना, इससे तुझे कह लेना देना। मैं भी यही कह रहा हूँ, बेकार काम करके अपना टाइम वेस्ट मत करो। तुम चाहे कुछ भी कर लो, नंदिनी की शादी मुझसे ही होगी। मैं तुझे चांद से मारूंगा। क्या बात है समधी जी? नहीं कोई बात नहीं समधी जी, ये मेरा करीबी आदमी है। बेकार में मत चिल्लाओ, मुझ पर ऐसे उलझ के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सब तुम्हें ही देख रहे होंगे, जरा हंसते हुए फोन रख दो। शाम को मिलते हैं ना यार? शाम को मिलते हैं। इसका फोन कब किया जाता तुझे पता नहीं? जीतू है क्या? ये लो। मास्टर जी, और सब ठीक है ना? इस समर में जब कॉलेज की छुट्टियां होंगी उसी वक्त शादी की तारीख रख लेंगे। ठीक है। भोजन कर ले। नंदिनी, क्या ये शादी तुम्हें पसंद है? नहीं। फिर वहां इतनी खुशी से क्यों बैठी थी? ऐसे ही, पापा कुछ देर के लिए खुश रहेंगे इसलिए मैंने ऐसा किया। ये शादी नहीं होगी मम्मी। इतने विश्वास से कैसे कह सकती हो? जीतू ने कहा है। जीतू तुम्हारे पापा से बड़ा आदमी है क्या? तुम्हारे पति तुम्हारे लिए महान है तो जीतू मेरे लिए महान है। तुम जाओ, मुझे नहाना है। ये क्या है, इससे पहले तुम नहाकर तैयार नहीं हुई थी? उस जंगली जानवर को देखने के लिए कोई नहाकर तैयार होता है क्या? प्यार की कर ले पढ़ाई तो, प्यार की जान ले बातें तो, प्यार में डूब जा मेरे तो। मम्मी पापा के बारे में अपना
डराने वाला मैं, मुझे वो जीतू का बच्चा डरा रहा है। उसका नाम सुनकर ही मैं कांप उठता हूं। उसको मैं समर हॉलीडेज में मारना चाहता था, लेकिन तब तक वो मुझे चैन से नहीं बैठने देगा। मेरी बेटी को प्रेम में फंसाकर मेरे ही साथ खिलवाड़ कर रहा है वो। मैं भी उसके साथ उसी प्रेम से खिलवाड़ करूंगा। मैंने एक प्लान बनाया है, उसी प्लान से उसके टुकड़े टुकड़े करके। लेकिन इसकी खबर बेटी को ना होने पाए। इधर आ। का मतलब है आनंद। पोस्टमैन। से होता है प्यार का। आपका लेटर है। है प्यार का चंदन। ऐसा क्या? का मतलब है प्यार का दर्पण। जीतू, कल शुक्रवार है, मैं संतोषी माता के मंदिर आने वाली हूँ, तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुमसे कुछ बात करनी है। नंदिनी। मम्मी, मामा जी। दे दिया भाई। यादगिरी, कल मंदिर में कोई भक्त नहीं आया, ऐसा प्लान बना। मंदिर के बाजू वाली पहाड़ी में हम उस जीतू की लाश को गायब कर देंगे। अरे ये तू क्या कह रहा है? हाँ मामा जी, उन्होंने मुझे मारने का प्लान बनाया। ये बात तू कैसे कह सकता है? इस टाइम के इस कवर को देखकर वो अपने प्लान के मुताबिक यहाँ आए तो उनको मैं किसी भी तरह मंदिर की पहाड़ी पर ले आऊंगा। तुम अपने दोस्तों के साथ मेरा इंतजार करना, हम वहीं उनकी धुलाई करेंगे। ए, ये लाई जाएगा किस लिए? ये सब छोड़ दे। ऐसा नहीं हो सकता मामा जी, मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत हो और नंदिनी वहाँ जाए, मैं उसे नहीं मिल पाऊंगा ना। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि प्रेम के घाव बहुत गहरे होते हैं। मैंने भी कहा था ना, प्यार के लिए हर तकलीफ सह सकते हैं। नंदिनी के लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, तुम मारने के लिए भी तैयार। फ्रेंड्स, जीतू ने जो कहा वो सच निकला तो जीतू उन लोगों को लेकर इधर ही आएगा, तब हम उन लोगों को देख लेंगे। मार डालेंगे सालों को। होना
अभी तक नहीं आया। तुझे बहुत जल्दी पड़ी है रे। लगती है, जल्दी चलो। कर बहकाया, अपने ही बेटे को कसाई के पास भेज दिया। पैसे के लिए जान देने वाले उस नीच को प्यार क्या चीज है क्या पता। सुनिए जी, वो अपना इकलौता बेटा है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी। उसे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। अरे निकम्मो, उसे तुम लोगों ने जिंदा क्यों छोड़ दिया? और हम खोरो, अगर किसी पे वार करो तो जब तक वो मर ना जाए उसे छोड़ना नहीं चाहिए, समझे? वो जीतू देखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही चालाक है भाई। अगर हम लोग वहाँ से कल नहीं भागते तो स्टूडेंट के हाथों हमारे टुकड़े हो जाते। अरे दरिद्रता तो चली जाती ना। तुम लोग जीतू की अतरिया लाते तो मैं उसे गले में डालकर घूमता, फिर से टेंशन दे दिया। मार खाने वाला पलट कर वार के लिए तैयार हो उससे पहले हमें उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए, समझा? अब क्या करें भाई? हम नंदिनी मालकिन को कहीं छुपा दें तो? कहाँ छुपाएंगे उसे? अगर आप माने तो मैं एक बात बताता हूँ, निजाम पेट में आपके ससुर के यहाँ भेज देंगे। ससुर जी के घर पे? लेकिन इतने दिनों के बाद क्या सूरत लेके जाएंगे वहां पर? एक बार सोच लीजिए भाई। करेक्ट है, शादी होने तक नंदिनी का रहना सेफ है। जानता है मेरा ससुर इंसान नहीं राक्षस है। अरे वो घर पे ही होगा मालिक। ए नरसिंह जी। मालिक गाड़ी निकाल। तेरी बाजू वाली की जोरू से अंगरेलिया मनाता है तो मालिक, मालिक मुझे माफ कर दो मालिक, मालिक माफ कर दो मालिक। ले आओ लकड़ी का अंगारा, मुझसे भूल हो गई मालिक। दोबारा इस तरह की गलती करोगी तो यही तेरे साथ भी किया जाएगा। अगर गलती करे उसकी गलती का कारण मर्द होता है, उसका ध्यान रख, अपनी जिंदगी ढंग से गुजार। कौना के हो गाड़ी? नहीं मालूम मालिक। बेटी ऐसे क्या देख रहे हैं जी? बेटी घर आई है।
अब याद आई है बाबूजी की, इतने सालन में एक बार भी हमारी याद नहीं आई। नहीं, ऐसी बात नहीं है पिताजी। नहीं बेटी, मेरी खुशी के खातिर तुम कभी अपनी जिंदगी में मेरे लिए तकलीफ मत उठाना। कुछ भी हो, खुश रहो, यही चाहता हूं। हमारी नातिन है। हाँ पिताजी। देखो बिटिया, तुम्हारे नाना को तुम्हें पीठ पर बैठाकर खिलाने का सौभाग्य नहीं मिला। गोद में लेने की उम्र में तुम मेरे पास नहीं थी। अब गोद में लेना भी चाहूं तो भी उम्र नहीं है। तेरे लिए बचपन में खिलौने भी मैं नहीं दे पाया। मैं बदनसीब हूं। अब कुछ देना चाहता हूं। बोलो क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए नाना जी। वो ना भी चाहे तो भी हमें देना ही पड़ेगा। अब इसकी शादी होने वाली है। कहा बिटिया, इससे अच्छा? हाँ पिताजी, शादी होने तक ये यहीं रहेगी तो खाना बनाना सब सीख जाएगी और ससुराल में कैसे रहना है वो भी सीख जाएगी। इसलिए उन्होंने इसे यहाँ भेजा है। तुम्हारे पति के लिए मैं बुरा हूँ, पर मेरा पालना उसे अच्छा लगा। जीतू, आप कैसे हो? नीलिमा, नंदनी को उसके पिता ने कहीं छुपा दिया है। जिससे भी उसके बारे में पूछा जाए तो वो कहता है कि पता नहीं। और यह है कि नंदू नंदू की माला जप रहा है। उसके घर जाकर उसकी माँ से उसके बारे में पता करो ना प्लीज। मैं नहीं जानती नीलिमा, उसके पापा ने उसे किसी दोस्त के घर भेजा है। वो दोस्त कौन है, कहाँ है, मैं ये भी नहीं जानती। ये क्या आंटी, आप नहीं जानती, ये कैसे हो सकता है? कुछ बातें ना जानने में ही कुछ लोगों की भलाई होती है। ठीक है, अंकल से पूछकर फोन नंबर ले लेना, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है उससे? क्यों, नंदनी कहाँ है ये मालूम करने के लिए उस जीतू ने भेजा है? नहीं, ये बात नहीं है अंकल, मैं अपनी गोद भराई पर बुलाने के लिए आई थी। कौन सा महीना चल रहा है? पांचवा महीना। फिर कभी इस घर की तरफ आए तो डिलीवरी नहीं होगा, अबॉर्शन होगा। ए ब्रोकर, उस कमीने को बोलो उससे डर कर मैंने अपनी बेटी को नहीं छुपाया, अपनी इज्जत से डर कर छुपाया है। वो नंदिनी को भुलाएगा तो उसके लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है। जाकर बोल दो। हेलो जीतू, पापा, पापा, हेलो, पापा का फोन है माँ, कट गया। फोन किस लिए किया होगा? हेलो। हाँ, मैं बोल रही हूँ। क्या है? आपका फोन कट गया इसलिए मैंने दोबारा किया। जीतू क्या कर रहा है? हाँ वो घर पे है। पापा का फोन कट गया तो माँ फोन कर रही है, नंदिनी का फोन कट हुआ तो? ये मनी एक्सचेंज नहीं है, टेलीफोन एक्सचेंज है, रख दो फोन। ऐसा नहीं हो सकता, नियम नहीं मानते। नियम माने भी तो मैं नहीं मानता। सर आप सिंसियर लगते हैं, फेस देखने से मालूम पड़ता है। लेकिन हर आदमी कोई ना कोई कमजोरी होती है, ये जानना जरूरी है। कम से कम जानने की भी कोशिश नहीं कर रहे हो तुम लोग। ओह समझ गया सर, एक मिनट रुकिए सर। सर अब आपकी समझ में आ गया, अब बोलिए। हेलो मम्मी, मैं नंदिनी। हेलो हेलो नंदू, हेलो सर, अब गौरी के घर से फोन जाएगा, इस नंबर पर जाएगा, ट्रेस करके बता दीजिए ना। वो अभी दोबारा फोन करेंगे, आप ये बात कैसे कर सकते हैं? जरूर करेंगे, क्योंकि हम जिससे बात करना चाहते हैं उसका फोन अगर बीच में कट जाए तो फौरन हम उन्हें दोबारा फोन करते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तुम
जो नंबर चाहते हो निजाम पेट का है, दुर्गा पटेल के नाम से है। यस मामा जी, नंदू निजाम पेट में ही मामा जी। थैंक यू वेरी मच सर। इसमें ऐसी क्या बात है, हर आदमी की कुछ कमजोरी होती है, ये तुम लोगों ने समझ लिया। हर चैन गोल्ड चैन नहीं होती है, ये बात आपको जानना चाहिए। नमस्ते। गांव में सब 7 बजे ही सो जाते हैं, वहाँ लाइट जल रही है, वो जरूर नंदिनी का ही घर होगा। तू कितनी देर में आएगा? बोल नहीं सकता। तेरे आने तक मैं इंतजार करता हूँ। तुम्हें ले जाऊं या तुम मेरे साथ आ जाओ, लोग तुम मेरे साथ चली गई नहीं कहेंगे, भाग गई कहेंगे। चली गई कहने में और भाग गई कहने में बहुत फर्क होता है नंदू। कोई कुछ भी समझे, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। तुम दूर क्यों रहोगी, मेरे साथ ही रहोगी। हम भाग कर शादी नहीं करेंगे, तुमसे मर्द की तरह शादी करूंगा तुम्हारे घर वालों के सामने। सच कह रहे हो? तुम्हारी कसम। दसगीर भाई, हाँ आज 30 डोजे पूरे हो गए, लिख लो। हाँ ठीक है। कौन गांव है? मुंबई से। यहाँ कहाँ आए हो? नाश्ता करने के लिए आया हूँ। दिमाग खराब है क्या? होटल में नाश्ता करने नहीं आओगे तो क्या बैल चराने आओगे? क्या खाओगे? इडली। ए दो इडली। मुंबई से इतना दूर इडली खाने के लिए आया? यहाँ का डोसा मशहूर है, जल डोसा का। अरे इसको डोसा लग दे रहे भैया। ऐसे कैसे लोग हैं? क्या करता है मुंबई में? अरे बहरा है क्या? क्या करता है मुंबई में? स्टडी मतलब पढ़ाई। पढ़ाई करता हूँ। तुमको देख कर तो ऐसा नहीं लगता है पढ़ता होगा। चल दू का पहाड़ा पर। क्यों पढ़ू? चल पढ़ना भाई। अरे क्यों पढ़ा? ससुर ना। 2×2 2×50 100 1000 10000 25000 50000। दू के पहाड़ा में 50000 किधर आता है? मुंबई में ऐसा ही रहता है। ठीक है, अब डोसा खा। हमारे यहाँ का डोसा खाएगा, पहाड़ा पढ़ने आ जाएगा। जाना है। दस्तगिरी भैया, 100 को डोसा लिख लीजिएगा। हाँ ठीक है। दस्तगिरी भाई, 4 डोसे लिख लो। कहा लिख लो डोसा के चटनी? चुपचाप पैसा निकाला। अरे चुप रहो ना भाई, उसने 30 डोसे कहा तो लिख लिया, इसने 6 डोसे कहा तो लिख लिया, मैंने तो सिर्फ 4 ही डोसे खाए हैं। लिख लो ना भाई। ए, वो हमारे गांव वाला है भाई। अरे यार से मुझे भी अपने ही गांव का समझो ना मेरे भाई। काहे के लिए खिटखिट करता है, चुपचाप पैसा दे के जाना। मां कसम मेरे पास पैसे नहीं है भाई। आ? पैसे के बदले प्लेट दे दूंगा। तुमसे कौन काम कराएगा भाई? मतलब मैं यहाँ पे किसी काम के लायक नहीं हूँ भाई। तू किसी काम लायक नहीं है, ये गाड़ी यहीं रख के जा। भाई ये 55,000 की बाइक है भाई। मतबल 55,000 रुपए। ए, उससे हमका का लेना देना भाई? तू हमार पैसा दे के जा। मेरी जान,
तूने भी जीतू के प्यार में अपना बलिदान दे दिया। जीतू तू अब क्या कर रहा है? मैं नहीं जाऊंगी नानी माँ, आप चली जाओ। ऐसा नहीं कहते, कुंवारी लड़की हो, चार शादियों में जाओगी तो चारों तुम्हारी शादी में भी आएंगे। वहाँ तो मैं किसी को जानती भी नहीं। तुम किसी को नहीं जानती, दुर्गा प्रसाद की नातिन हो ये सारा गांव जानता है। शुभ कार्य के लिए मना नहीं करते, जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। ठीक है मैं तैयार होकर आती हूँ, तुम जाओ। शहरी ड्रेस मत पहनना, इन कपड़ों को पहनकर ये सारे गहने पहनकर आओ। ठीक है जल्दी आना। अच्छा ये जीतू आंखें बंद कर लो। पर क्यों? मुझे कपड़े बदलने हैं। तुम कपड़े बदलोगी तो मैं अपनी आंखें बंद क्यों करूं? मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा, बदल लो। मतलब मुझे देखते रहोगे, मुंह बंद करके आंखें बंद कर लो। दोनों या एक? आंख मुंह दोनों। ठीक है। बदल लिया क्या? कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी, मैंने अपनी आंखें बंद नहीं की थी। पता है तुम मुझे देख रहे थे इसलिए तो मैंने कपड़े बदले। और हाँ, हर वक्त मुझे उस रूप में देखने वाले सिर्फ तुम ही हो, है ना? नंदिनी तुम कितनी सुंदर लड़की हो, जल्दी से आकर फिर से बदल लेना। फर्स्ट टाइम मैं टेंशन से ठीक से देख नहीं पाया। दांत तोड़ दूंगी। 10 मिनट रुक कर बाजू के बाथरूम में जाकर नहा लो और मेरी शर्ट पहन लो, मैं आकर खाना देती हूँ। ओके ठीक है बाय। है सुना, तैयारी हुई कि नहीं? सुना नहीं? हाँ मैं तो कब से तैयार हो गई, तुम्हारी नातिन तैयार होके आए तब ना। नानी माँ चले क्या? ए भाग्यवान, कितनी सुंदर सुशील लग रही है हमार नातिन। हाँ आखिर नातिन किसकी है, तुम्हारी ही तो है ना। का बिटिया तुम्हें कहा चाहिए? कुछ मांग ल बिटिया, मैं दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए नाना जी। इसकी शादी में देंगे लेकिन पहले इस शादी में तो चलिए देर। क्या हो रहा है रामू? हाँ साहब जी ठीक हो ना? हमार नाम कैसन जानते हो? तुम्हारा चेहरा देखने से ही मालूम पड़ता है मंकी फेस। साहब जी का कह रहे हो? कुछ नहीं, तुम हू बहू डंकी जैसे लगते हो। हाँ हाँ साहब जी, आप लोग तो ठहरे शहरी और हम लोग ठहरे गंवार। लगता है कुछ समझ में आ रहा है। ए, चल पत्ता फेंक, ये रे फेंका। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? क्यों आजकल नजर नहीं आते? हे, इस उम्र में बीड़ी पीना पत्ते खेलना गलत बात है। हम जानते हैं, तुम जाकर अपना काम करो। ठीक है मेरे लिए भी डाल, मैं भी खेलूंगा। पैसा है क्या? अरे पर्स दिखाता हूँ देख लेना। अरे पैसा पूछा तो पर्स दिखाता है शो। अरे मैं कब से तुम लोगों को देख रहा हूँ, मेरी बात का तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, ये अच्छी बात नहीं है। पैसे निकाल बे। बे बोला? अरे अभी तक तुम लोग जैसे बात कर रहे थे वही ठीक है। अरे मेरे पास में चिल्ला रहे। ये बात है तो ये ले, मेरे भैंस को संभाल। अरे ला ना इधर, संभालता हूँ मैं। हे तेरी माँ की आँख। ए भैंस को गाली मत दे, तू उसके बारे में कुछ नहीं जानता। अरे मैं मुंबई से आया हूँ, ये भैंस मेरे बारे में कुछ नहीं जानती है। रुक अभी पत्ते डाल। ए भाग रही है। अरे रुक जा, रुक रुक। अरे बचाओ, अरे बचाओ। अरे रुक जा, अरे रुक जा रे, अरे रुक जा। अरे मारेगी क्या? अरे उसका क्या हुआ होगा यार? हाँ मेरे भैंस के खाते में एक और बलि। मैं मुंबई से आया हूँ, ये देखे बिना मुझे सारे खेत में घुमाया, काट कर तेरा अचार बनाऊंगा तेरी माँ की। अरे अरे चेक बाउंस हो गया? क्यों बैंक में पैसे नहीं है क्या? बोला दस्तखत सही नहीं है भाई। नहीं दस्तखत तो ठीक ही किया है। जितेंद्र के नाम से दस्तखत हुई है। सबको टेंशन देता हूँ और वो मुझे टेंशन दे रहा है। हे भाई मैंने उस पे नजर रखने को बोला था ना, वो 4 दिन से नजर नहीं आ रहा है भाई, लगता है कहीं गया है।
कहीं वो वहां तक तो नहीं पहुंचे ना? हाँ? नंदिनी निजाम पेट में है, उसको मालूम ही नहीं हो सकता भाई। अगर वो वहां पहुंच भी गया तो हमारा बुड्ढा उसका खून पी जाएगा। हेलो, इस फोन को भी मुझे अभी टेंशन देना था। क्यों जीतू, मुझे भगा कर ले जा रहे हो क्या? जी, तुम हर वक्त भागने वाली बात करती हो, तुम्हें मैं कुछ बताना चाहता हूँ। नाना जी देख लेंगे तो मार डालेंगे। सुबह 5 बजे से पहले उठने का सवाल ही नहीं बनता, उससे पहले ही हम यहाँ आ जाएंगे। आओ, फिसलोगी संभाल के। ये क्या जीतू, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? रुको तो बताता हूँ ना। हैप्पी बर्थडे नंदू। जीतू मेरा बर्थडे मुझे याद नहीं, तुमने बहुत अच्छा सरप्राइज दिया। तुम्हें गिफ्ट क्या दूँ? सुनिए जी, दामाद जी आए हैं। क्या कहा? दामाद जी इस वक्त? बेटी की याद आई होगी, ऊपर गए हैं, जाइए। नंदनी, नंदनी, वो अंदर नहीं है? अंदर ही होगी। नंदिनी, नंदो, नंदिनी दरवाजा खोलो बेटी। ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही, कहीं वो जीतू यहाँ भी? घबराइए मत भाई, वो यहाँ कैसे? नंदिनी, 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 नंदिनी रुको, नंदिनी दरवाजा खोलो, नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी दरवाजा खोलो। कहा बिटिया, दरवाजा खोलने में इतनी देर का है? गहरी नींद में सो गई थी क्या? हेलो, मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए आया हूँ। इतना पसीना क्यों आ रहा है बेटी, घबराई सी लग रही हो? वो पापा, मैंने कोई बुरा सपना देखा था इसलिए। तुमको आज आया, मुझे तो रोज ही आते हैं बुरे सपने। कुछ नहीं बेटी, तुझे देखने का मन कर रहा था, देख लिया। क्या बेटी, माँ से कुछ कहना है क्या? कुछ नहीं पापा। यह अच्छा नहीं लग रहा है क्या? और 2 दिन में मैंने तुम्हारे लिए एक, ये आवाज कैसी? हाँ, लगता है बिल्ली ने कुछ गिरा दिया। बिल्ली, ए हट जा। ए, 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 ए। क्या हुआ भाई? वो यहाँ नहीं आया है, बेकार में मैं टेंशन ले रहा हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था भाई। ए, मेरे ससुर का चेहरा देखा है ना? चल अभी चलते हैं। Thank you.
देख लेते तो क्या हाल होता तुम्हारा। मुझे तो कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे देखते ही तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक हो जाता है। हाँ, ओके ओके। क्या है बेटी, अकेली का कर रही हो? चेस खेल रही हूँ नाना जी। हाँ हाँ, रात को तुम्हारे पापा क्यों आए थे? मुझे देखने का मन किया होगा, इसीलिए आए थे। तुम किसी से प्रेम करती हो? ये क्या, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? प्रेम करती हो तो बोलो, मैं तुम्हारे पापा जैसा कमीना नहीं हूँ। मैं किसी से प्यार नहीं करती नाना जी। सुनो बेटा, प्रेम करना गलत नहीं है, उसको छुपाना गलत है। खेलो। नंदू, अपने नाना से तुमने झूठ क्यों बोला, सच क्यों नहीं बोला? तुम नहीं जानते जीतू, इन बड़े लोगों पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करते। पता नहीं क्यों तुम्हारे नाना जी मुझे बहुत अच्छे आदमी लगते हैं। हाँ लगते होंगे, तुम ऊपर जाओ। ए नरसिंह, जल्दी आ। ए, नीचे आ। मैं कहता हूँ पहले नीचे आ। नाना जी, नाना जी। ए, नाना जी, धक्का दो इसे। नाना जी, आ। ए, मार दो इसे। प्लीज नाना जी, प्लीज नाना जी। नहीं नंदिनी, हट जाओ, हट जाओ, मार डालेंगे, मार डालो। मैंने आपके फायदे के लिए सर नहीं झुकाया, आपके बड़प्पन के लिए। आप मुझे मार सकते हो, लेकिन अपनी नातनी और मेरे प्यार को कभी नहीं मार सकते। मारने और मरने के लिए सिर्फ एक ही मिनट काफी होता है, क्यों मारना है उसे एक ही मिनट में जान लो, सब आपको समझ में आ जाएगा। क्यों, क्यों मेरे नातिन से प्यार किया तुमने? किस लिए प्यार किया ये मत पूछिए, कितना प्यार किया ये पूछिए। मैंने इसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया, हमारी जान से भी ज्यादा, हमारा प्यार ही सब कुछ है। अगर मुझे मारोगे तो नंदिनी भी मर जाएगी, अगर नंदिनी को मारोगे तो मैं भी मर जाऊंगा। हाँ नाना जी, जब से मैं आपके यहाँ पर आई हूँ तब से आप क्या चाहिए पूछते थे ना, मुझे जीतू चाहिए नाना जी। चेक। हेलो जितेंद्र, निजामपेट से। तू वहाँ भी पहुँच गया? पहुँचा नहीं, अभी यही हूँ। क्या कहा? नंदिनी को लेकर मुंबई आ रहा हूँ, शहर में आने के बाद फोन करूँगा, मेरे फोन का इंतजार करते रहो। अगर तूने कोई बेवकूफी की बाप जी। भाई भाई, इधर आ, इधर आ। तू इस जीतू के माँ बाप को जानता है? जानता हूँ। क्या तूने पहचान सका है? भाई जा, जाओ उन्हें मारते हुए यहाँ लेकर आ, जाओ तुम सब जाओ। ए बाप जी। भाई, वो नंदिनी को लेकर निजामपेट से निकल चुका है, मुंबई आने वाले सारे रास्तों पर तुम नजर रखो, जहाँ कहीं भी वो दिखे मार दो। नंदिनी उसके साथ में। अरे चलो चलो जाओ। बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ, जाओ घसीट कर आओ उसे, जाओ। ए बुढ़िया, क्या कर रही है? तुम लोग आओ मेरे साथ। छोड़ दो, कौन मैं हाथ छोड़ती हूँ? मुंह बंद रख। मुझे कहाँ है वो भास्कर राव? वो मंदिर गए हैं बेटा।
मिल गए वो? भाई मैं रमेश बोल रहा हूँ। मिल गए वो? ये कोई मंदिर में गया है। मंदिर में? अरे जा और जाकर पकड़ कर लाओ उसे यहाँ। तुझसे टकराएगा रे तू जीतू। प्लान तेरा बहुत अच्छा है। जैसे तूने बताया कि पहले नंदिनी को ले जाकर हम सारा इंतजाम कर लेंगे, लेकिन इस बीच वो लोग तुम्हारे मम्मी पापा को कुछ करना दे। मम्मी पापा बहुत सेफ जगह है, वो उनको नहीं मिलेंगे। ऐसी कौन सी जगह छुपाया है? उसी के घर में। हाँ, गौरी के घर में? हाँ। उसके घर में कैसे पहुँचा दिया? पड़ोसियों ने इसकी माँ को समझा लिया। ये सब क्या हो रहा है बहन? घबराइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। संभल कर उतरना, आइए। बहुत अच्छा प्लान बनाया है, लेकिन वो दीदी और जीजा जी को देख लेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो लोग जानते ही नहीं है कि मेरे माँ बाप कैसे हैं। बहन जी चिकन बहुत बढ़िया है, और तुम हो बहन जी का हाथ का खाना देखा कितना अच्छा है। कब क्या हो जाए इस बात का मुझे टेंशन है, और आपको खाने की पड़ी है। देवी घबराइए मत, मैं देखती हूँ। देवी। हाँ क्या हुआ? वो जो तुम्हारा बाप है ना दुर्गा प्रसाद, अपने आप को बहुत बहुत महान समझता है। उस पे भरोसा करके मैंने खुद अपने सर पे जूता मार लिया। जीतू नंदिनी को लेकर वहाँ से भाग गया। क्यों बहन जी? हा? कोई प्रेम का चक्कर है क्या? ये कौन है? हमारे रिश्तेदार है जी, औरंगाबाद से आए हैं। रिश्तेदार? पर मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। हमने भी आपको पहले कभी नहीं देखा। अरे चुप रहिए आप, बकवास मत कीजिए। कौन है आप? तुम मुझे क्यों देखोगे? सुनिए मुझे जरा धीरज रखिए, ये लोग आपके बारे में नहीं जानते। आप इनकी बातों का बुरा मत मानिए, लेकिन नंदिनी आएगी, वो यहाँ जरूर आएगी। उस जीतू के बाबा को लाने के लिए मैंने अपने आदमियों को भेजा है, वो यहाँ जरूर आएंगे। पर वो कहाँ है भाई साहब? मंदिर गए हैं वो लोग। कौन से मंदिर गए हैं? तुम्हें क्या लेना देना है? तुम अपना काम करो। जरा दही लाइएगा बहन जी। अरे 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 दही लाकर दो इन्हें। ये पापड़ कहाँ से लाए बहन जी? बहुत स्वादिष्ट और कड़क लगता है। कहाँ गायब हो गया वो? जल्दी जल्दी मारो, दे दे दे, जल्दी मारो, छोड़ना नहीं उसको, पकड़ो पकड़ो उसको, छोड़ना नहीं है, काट डालना उसको। बंद कर रहे मुर्दे के जैसे दौड़ रहे हो। अगर अब उसने हमको पकड़ लिया तो हम सब के सब मारे जाएंगे। तो मर जाएंगे। मैं तुम लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, थोड़ा हिम्मत से काम लो। अरे सतीश वो डंडा लेकर तू जा, जल्दी जा। तुम लोग किधर भागते हो? जाओ मारो उसे। बाप रे, कहाँ भाग रहा है बेटे? मैं कुछ नहीं जानता भाई, मुझे मत मारो भाई। मुझे मारना चाहता है तू? अब देख मेरे साथ क्या होगा।
प्यार और नौजवानों से कभी नहीं टकराना, कहा था ना। चल खुश हो जा, मैं तेरी जान बख्श रहा हूँ। इतनी देर हो गई, ये सारे निकम्मे अभी तक फोन क्यों नहीं किए? क्यों जी, चाय लाऊं क्या? बोला, मैंने बोला क्या? चाय पीने से ये टेंशन कम होने वाली नहीं। सुनिए, आप फिल्में देखते हैं क्या? ऐसी बात करने का ये वक्त है? ये बात नहीं है, मैं आपका गुस्सा कुछ ठंडा करना चाहता हूँ। ठंडा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अंदर आग लगी है। अरे तेरे सारे रिश्तेदार ऐसे ही है क्या? अरे आप उनको क्यों डांट रहे हैं? अरे और कुछ बोलोगे तो जान से मार दूंगा। ए जितेंद्र, क्या बात है, बहुत जल्दी पहचान गए। हंसना नहीं बहुत रहेगा, कुछ ही देर में मैं तेरे माँ बाप को टपका दूंगा और उनकी लाशों पर गिर कर रोने के लिए तैयार रहना, समझा? तो तैयार रहना। जरा एक बार मुझे फोन दीजिए। तुम्हें किस लिए फोन? माँ बाप को क्यों मारते हो, मैं उसे समझा देता हूँ। तू बैठ और तू सुन, अगर तुझे तेरे माँ बाप चाहिए तो 5 मिनट में मैं तुझे नंदिनी को यहाँ पहुँचाना होगा। इस बात को भूल जाओ, और कुछ देर बाद हमारे कॉलेज में मेरी और नंदिनी की शादी होगी। तू अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके इसे रोकने की कोशिश कर। कहा शादी यही है, पर कोई नजर ही नहीं आता। कैसे नजर आएंगे सर, सबको शादी में इनवाइट कैसे करेंगे? अरे ये कोई अरेंज मैरिज है क्या? ये मैरिज फिक्स है। मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे बाप के। यहाँ शादी होने वाली थी ना? यहाँ पे शादी? इसे कॉलेज समझा है कल्याण मंडप? हाँ, यहाँ नंदू नाम की लड़की से कोई जीतू जबरदस्ती शादी कर रहा है। नंदू मतलब गौरी गुंडे की बेटी है ना? गौरी कौन है तुझे मालूम है? मालूम, मैं ही हूँ। अरे चुप रहो भाई, आप गुंडे हैं, कैसा मजाक है? क्या वक्त आ गया है मुझे अपनी पहचान बतानी पड़ रही है। मैं ही हूँ रे। सच में? हाँ मैं ही हूँ भाई, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको नहीं पहचाना। बुलाओ बुलाओ। ऐसे क्या देख रहे हो? आप लोग यहाँ शादी रोकने आए हैं और हम आपको रोकने आए हैं। देख लिया ना, तुम्हारे 2 हाथ हैं तो हमारे 2000 हाथ हैं। हम अगर चाहें तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। सर सर, आप कुछ बोलते क्यों नहीं सर? चुपचाप बता, कहाँ है इनकी बेटी? जीतू के साथ में है। अरे बताओ वो कहाँ है? आपकी बेटी के साथ है। अरे गुस्सा मत दिला मुझे। इसलिए इतना टेंशन ले रहे हो? जीतू को पहले ही पता चल गया था कि तुम लोग पुलिस लेकर आने वाले हो, इसलिए स्पॉट चेंज, शादी यहाँ नहीं होगी। कहाँ होगी? हाँ बताता हूँ, जीतू खुद फोन करके बताएगा कि शादी कहाँ होगी। हाँ रिलैक्स, सब अपनी अपनी बाइक लेके मेरे साथ आओ, ध्यान से। ओके, सुनो सुनो भाई, अरे कोई तो बताओ। सर कुछ भी करो पर ये शादी रोको। हेलो, हाँ सुब्रमण्यम, सब लोगों को अलर्ट कर दो, सारे शहर के मंदिर, रजिस्ट्रेशन ऑफिस, कल्याण मंडप सारे चेक करो, गौरी जी की बेटी कहाँ है पता करो। ए, कहीं हमसे पहले पुलिस वाले वहाँ पहुँचना जाए यार। पुलिस चाहे कुछ भी कर ले, उन्हें उस जगह का पता नहीं चलेगा। ऐसी कौन सी जगह है यार, ये शादी कहाँ हो रही है? गौरी के घर पे है। क्या? मुझे तो बांध कर रख गया है इन लोगों ने। गौरी जी आप इस तरह निराश मत होइए। कैसे निराश ना हो सर, ये सब पक्की प्लानिंग है। फोन बजे सर। रघु फोन गौरी को दो। हाँ दे रहा हूँ, इधर दो। जितेंद्र, हाँ जानता हूँ तुम ही हो। सुनो, जो तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं होगा, कुछ देर में पुलिस वहाँ पहुँचने वाली है। ओके, मैं तैयार ही हूँ, पहले तुम आ जाओ, 10 मिनट बाद मेरी शादी है। अरे चुप रहे, और ये बता कि शादी कहाँ है? बताऊंगा तो होश उड़ जाएंगे। अरे बाप रे, तूने तो पहले ही मेरे होश उड़ा दिया, अब क्या उड़ाएगा? अगर मर्द का बच्चा है तो बता। तुम्हारे घर में ही। हाँ तुम्हारे ही घर में नंदिनी के साथ। अब ज्यादा टेंशन मत लो, आ जाओ, तुम्हारे आने तक मैं मंगलसूत्र नहीं बांधूंगा।
ये क्या सर, उसने शादी मेरे घर में रखी है। मेरे घर में नहीं, मेरे घर में नहीं, मेरे घर। सर धीरे बोलिए सर, नहीं तो मेरी इज्जत जाएगी। सर 10 मिनट में शादी होने वाली है सर, कुछ करके रोकिए। रुक जाओ, अगर पुलिस वहां जाएगी तो हम खुद को काट लेंगे। सर कुछ नहीं होगा सर, ये लोग ऐसे ही धमकाते हैं। ये धमकाना नहीं है, आप लोग एक कदम भी आगे बढ़ाओगे तो हम ये करके दिखाएंगे। सर पुलिस अगर किसी का भला नहीं कर सकती तो किसी का बुरा भी मत कीजिए प्लीज। दो प्रेम करने वालों का पाप आपको लग सकता है। आप आइए सर, आप जाइए। ये क्या कह रहे हैं सर? स्टूडेंट्स के बारे में आप नहीं जानते, इस इश्यू में पुलिस कुछ नहीं कर सकती, प्लीज गो। क्यों गए? मारो मारो, टच करो मुझे। चल छोड़, अब तक तुमने बहुत ज्यादा किया है। ये शादी किसी भी तरह नहीं हो सकी। क्यों? हाँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। पर क्यों पसंद नहीं? मुझे है पसंद नहीं है। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। तुम्हारी लड़की ने मुझसे प्यार किया है तो खुशी खुशी उसकी शादी करने की बजाय उसकी जिंदगी तबाह करना चाहते हो तुम? तुम क्या उसके लिए 10 10 वाला लड़का ढूंढोगे? जो मेरे पास है वही उसके पास भी होगा, लेकिन उसके पास पैसा है, मेरे पास नहीं। मैं पैसा नहीं कमा सकता, इस बात की क्या गारंटी है? या उसके पास जिंदगी भर पैसा रहेगा, इसकी क्या गारंटी देते हो? बकवास, मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, तुम जैसों को कड़वा लगने वाला सच। तुम तो बड़े आदमी हो, ठाकुर हो तुम। अपने घर की इज्जत बचाने के लिए मैंने अपनी बेटी को तुम्हारे पास भेजा और तुमने मुझे धोखा दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें? 20 साल पहले हमारी बेटी को भी इसी तरह ले जाकर तुमने शादी की थी, भूल गए? तब मैं भी तुम्हारी ही तरह परेशान था, उसके बाद आदत सी हो गई, तुम्हें भी आदत पड़ जाएगी। पहले अच्छा डालो। मतलब तुम्हारी बेटी को मैंने लाया इसलिए तुम मुझसे अब बदला ले रहे हो? ये हमारा बदला नहीं है, प्यार है। जब तुम हमारी बेटी को ले गए थे, मैं बाप हूं, गुस्से में मैं तुम्हें जान से मारना चाहता था। अब नाना हूं, ये सोचता हूं कि मेरी नतनी के प्यार को बचाना चाहता हूं। तुम मेरी बेटी को लेकर कायरों की तरह भागे थे, लेकिन इसने तुम्हारे आने के बाद ही मंगलसूत्र बांधूंगा ये कहा। ये मर्द है, दिल वाला मर्द है। ऐसा लड़का तुम्हारा दामाद होने वाला है, तुम्हें खुश होना चाहिए। पागल 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 पागल, पागलों की तरह बात बंद कर दो। ये तुम्हें पसंद होगा, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं। पसंद तुम्हारी नहीं चलेगी, बेटी की चलेगी। तुम इनके प्रेम को स्वीकार करो या ना करो, ये शादी होकर रहेगी। पता नहीं क्या हो गया इन घर वालों को, क्यों मेरी बेटी को कीचड़ में धकेलना चाहते हैं। समझी जी, अक्षत के लिए चलिए। अरे कैसा दिख रहा हूं मैं तुझे, हाँ पागल दिख रहा हूं क्या? और अक्षत के लिए कहने वाला है कौन? तू कौन है तू? भाई हम उस जीतू के माँ बाप हैं। तुम लोग सेफ्टी के लिए हमने इन्हें यहाँ छुपाया था भाई। चलिए जाइए, आप जाइए। भाई उस जीतू के माँ बाप का कहीं पता नहीं चला भाई। अच्छा नहीं मिलेंगे, अंदर पड़े हैं, जाओ जाकर देख लो ने। वो यहाँ है और हम लोग सारे शहर में ढूंढ रहे हैं। मैं एक बहुत बड़ा गधा हूँ जो तुम जैसे 30 गधों को पाल रहा हूँ। भाई टपका दो क्या? टपकाएगा, वो तुम्हें टपकाएंगे। हो गई शादी, जाओ जाके। अपने बाप की तरफ घूर कर देख रहा है ये, पूरा अपने बाप पर गया है ना। बहुत नसीब वाला है जीतू, इसीलिए बेटा पैदा हुआ है। बेटी पैदा होती तब पता चलता। ओहो, क्या बोल रहे हैं? क्या है राम प्रसाद जी, क्या हुआ? आपकी बेटी को किसी से प्यार हो गया? तो फौरन उनकी शादी कर दीजिए। नहीं 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 नहीं, इन युवाओं से और प्रेम से टक्कर लेना बहुत खतरनाक है, ये मेरा अपना अनुभव है। सुनो, पहले तकलीफ होती है, फिर इसकी आदत पड़ जाती है।